जी अब आप शुरू कर सकते हैं। चतुर्मुख मुखाम्भोज वनहंस अधूर मम मानसे रमताम नित्यम सर्व शुक्ला सरस्वती। आज हमारे लिए यह बहुत ही पुण्य अवसर का दिवस है कि आचार्य अभिनव गुप्त जयंती के अवसर पर एक व्याख्यान श्रृंखला का गत 2-3 वर्षों से निरंतर आयोजन हो रहा है और उसी की श्रृंखला में संस्कृत विभाग जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के द्वारा आज इस दायित्व को निर्वहन करने का एक सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। प्रोफेसर बीना अग्रवाल, जो कि राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के संस्कृत विभाग की पूर्व अध्यक्षा रही और वे अपने कला संकाय की अधिष्ठाता पद को भी उन्होंने सुशोभित किया, वे शैव दर्शन में उन्होंने एक बहुत ही विद्वान गुरु के निर्देशन में अपना पूरा जीवन खपाया है। प्रत्यभिज्ञा दर्शन का वैशिष्ट्य जो है वो किस प्रकार से वो निरंतर अपने व्याख्यानों और अपने प्रकाशनों द्वारा प्रकाशित करती रही हैं। आज हमारे लिए यह सौभाग्य का दिवस है कि उन्होंने दूरभाष पर हमारे एक निमंत्रण को स्वीकार किया तुरंत ही और वे आज इस पटल पर मुख्य वक्ता के रूप में हमारे मध्य इस सभा को सुशोभित कर रही हैं। मैं सभी अपने साथियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, संस्कृत विभाग जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर की ओर से। हमारे विभागाध्यक्ष महोदय प्रोफेसर मंगलाराम जी भी यहाँ पर अभी विराजमान हैं, अन्य सभी साथी भी निरंतर इस पटल से संबंध अपने अपना जोड़ रहे हैं। और मैं यह बताना चाहती हूँ कि जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग की एक समृद्ध परंपरा रही है। स्वामी सुरजनदास जी, प्रोफेसर रसिक बिहारी जोशी जी, प्रोफेसर दयानंद भार्गव जैसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वानों ने विभागाध्यक्ष के रूप में इस विभाग का मार्गदर्शन किया है और निरंतर अपने उत्तम प्रकाशनों के माध्यम से यह विभाग पूरे भारत में अपनी उपस्थिति को हमेशा ही उसका अनुभव करवाता रहा है। पंडित मधुसूदन ओझा शोध प्रकोष्ठ संस्कृत विभाग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपक्रम है। 20 प्रकाशनों के माध्यम से एक बहुत ही अल्प श्रुत और अल्प ज्ञात विद्या का वेद विज्ञान का जो निरंतर प्रकाशन हम करते रहे हैं वह हमारे विभाग की एक महती विशेषता है और हम सब मन से इस विभाग को निरंतर प्रकाशन के माध्यम से और व्याख्यान श्रृंखलाओं और संगोष्ठियों के माध्यम से निरंतर इस विभाग को अग्रसारित करने का प्रयत्न करते रहते हैं। आज मैं अपने विभाग की ओर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ और विशेष रूप से आशुतोष अंगिरस जी, जो कि हमारे पुण्य से हमको प्राप्त हुए हैं और निरंतर किस प्रकार से वो ज्ञान के प्रसार के उपक्रम में हमेशा संलग्न रहते हैं। आपका व्यक्तित्व अभिप्रेरणीय है। प्रातः कालीन अद्भुत सत्र का आज आयोजन हुआ जो कि 11 से 1 बजे तक प्रवर्तमान रहा और हमारे जो पूर्व आचार्य हैं यदि हम उनका स्मरण करते हैं, उनकी विद्या का प्रसार करते हैं, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है बीना जी कि यह ऋषि ऋण से आनृण्य प्राप्त करने का एक बहुत ही सुंदर उपक्रम रहता है और हम अपने कर्तव्य में इसी रूप से निरंतर लगे रहें और हमारे जो अभिप्रेरक आचार्य हैं वे हमको इसी प्रकार की अभिप्रेरणा देते रहते हैं। तो मैं इस भूमिका के साथ में आप सभी का स्वागत करती हूँ और हमारी मुख्य वक्ता प्रोफेसर बीना अग्रवाल जी को आमंत्रित करती हूँ। उनका विषय है आचार्य अभिनव गुप्त की स्वातंत्र्य अवधारणा। प्रोफेसर बीना अग्रवाल जी। सभी को नमस्कार। आदरणीय सरोज जी, मंगलाराम जी, आशुतोष जी, प्रोफेसर डॉक्टर सदानंद जी और सारे सुधी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। ये
निश्चित रूप से बहुत प्रसन्नता की बात है कि अभिनव गुप्त जयंती के अवसर पर इस तरह की वार्ता श्रृंखला आयोजित की जा रही है, जिसमें आशुतोष जी, सुनील रैना जी और बहुत सारे लोगों का अपना बहुत सारा परिश्रम निहित है। लेकिन इसकी उपयोगिता यह है कि इस आज की युग में कश्मीर को लोग दूसरे ही संदर्भों में जानते हैं। आज का युवा जो जानता है वो ये नहीं जानता है कि कश्मीर जो हमारा ज्ञान संस्कृति का वाहक रहा है, श्रेष्ठ आचार्य साहित्य के, संस्कृति के, कला के और दर्शन के सारे आचार्य जो बहुत मूर्धन्य आचार्य हैं, वे कश्मीर में हुए हैं और उन्होंने अपने ज्ञान से, अपने ग्रंथों से भारतीय परंपरा को समृद्ध किया है। और उसी में से एक आचार्य हैं, आचार्य अभिनव गुप्त महामहेश्वराचार्य जिन्हें कहा जाता है। और महामहेश्वराचार्य की पदवी कोई आसान नहीं है। ये साहित्य, तंत्र, योग और साहित्य शास्त्र, दर्शन और के विद्वान तो थे ही, उसके साथ साथ इनकी जो भक्ति परक रचनाएं हैं वे भी साहित्य और दर्शन से इस तरह से ओतप्रोत है कि वे अपने आप में स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में एक एक छोटी छोटी रचना, चाहे 8 श्लोकों की है, 10 श्लोकों की है, रहस्य पंचदशिका है, परमार्थ और अनेक प्रकार अनेक रचनाएं हैं, अनुभव निवेदन स्तोत्र है, वो ऐसे हैं कि वो अपने आप में पूरा पूरा दर्शन समाहित किए हुए हैं। और ये जो दर्शन है ये, इसको शिवाद्वैवाद कहा जाता है। और जो इसका एक नाम ये भी मुझे मिला, स्वतंत्र चिद अद्वैतवाद, स्वतंत्रता के प्रत्यय को महत्व देने की दृष्टि से इसे स्वतंत्र चिदाद्वैतवाद भी कहा जाता है। और जैसा कि हम जानते ही हैं कि ये जो प्रत्यभिज्ञा दर्शन है, यह प्रत्यभिज्ञा दर्शन जो है इसी की स्वातंत्र की अवधारणा पर मैं बात करूंगी। यह अपने आप में ईश्वर प्रत्यभिज्ञा कारिका जो उत्पलाचार्य ने लिखी थी उस पर विवृत्ति और विवृत्ति विमर्शनी के द्वारा इन्होंने उसको पुष्ट किया, उसके विचारों को एक नया आयाम दिया है अभिनव गुप्त ने। इनके बाकी ग्रंथों की बहुत सारे इनके ग्रंथ हैं, हर एक में दार्शनिक सिद्धांत हैं और सरलता से गूढ़ता की ओर जाने वाले सिद्धांत हैं। बहुत गूढ़ दार्शनिक सिद्धांतों को भी बहुत सरल शब्दों में, उपमाओं के द्वारा इन्होंने अभिव्यक्त किया है। बहुत आसानी से भी समझ में आ जाते हैं और गहराई तक जाने वाले को मोती भी मिलते हैं। तो इस तरह के ये जो अभिनव गुप्त हैं, इनका ज्ञान विज्ञान जो हमारे सामने लाया जा सके, जितना हम नई पीढ़ी के सामने ये प्रकट कर सके, उतना ये, हाँ, आनरेंट की जो बात कही, हम इनके ऋण से उऋण तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन फिर भी नई पीढ़ी को बता तो सकते हैं हम कि देखो ये ज्ञान था, यह ज्ञान है, हमारे ज्ञान का यह स्तर था। और जैसे स्वातंत्र्य की बात है तो स्वातंत्र्य का कोई ट्रांसलेशन नहीं हो सकता, फ्रीडम नहीं हो सकता, इंडिपेंडेंस नहीं हो सकता और स्वच्छंदता तो बिल्कुल ही नहीं। कहीं अगर हम कहना चाहें तो स्वावलंबन कह के फिर भी मतलब काम चला सकते, नहीं तो स्वातंत्र का मतलब स्वतंत्र, अपने ऊपर जो आश्रित है, केवल अपना ही की ही आवश्यकता है, जिसको अपनी सृष्टि स्थिति संहार के लिए, जो परम तत्व के स्तर पर है, कि वह अपने आप ही सृष्टि स्थिति संहार की क्रीड़ा करता रहता है। और न केवल वह अपितु तो जीव के स्तर पर भी इच्छा, ज्ञान और क्रिया जो है वह उसके लिए जीव स्वतंत्र है। और दूसरी बात, प्रत्यय विज्ञान जो उनका प्रमुख उद्देश्य है, उस प्रमुख उद्देश्य के लिए भी इसे किसी अन्य उपाय की आवश्यकता नहीं है, स्व ही अंतिम उपाय है। और जिससे अभिनव गुप्त ने स्वयं अनुपाय की संज्ञा दी है, अनुपाय से ही प्रत्यय विज्ञान संभव है, आसानी से हो जाता है। तो यह दर्शन प्रारंभ से लेकर अंत तक, सृष्टि के प्रारंभ से और अंत में जीव के प्रत्यय विज्ञान तक स्वतंत्रता, स्व पर आश्रित रहना, स्वाश्रित अन्य निरपेक्षता का निर्वहन करता है। पूरी अवधारणा जो है वह अवधारणा यही है कि मुझे किसी अन्य की अपेक्षा नहीं है, अन्य है ही नहीं, शिव के अतिरिक्त तो पूरी सृष्टि में कुछ अन्य है ही नहीं, उसे आवश्यकता ही नहीं है, हो ही नहीं सकती क्योंकि वो है ही नहीं। तो स्वातंत्र्य का जो है इनका, यह जो इन्होंने पंच कृत्य बताए हैं, सृष्टि स्थिति संहार, तिरोभाव और अनुग्रह। सृष्टि स्थिति कैसे करता है, शिव एव गृहीत पशुभावः, शिव जो पशु भाव को ग्रहण करता है। और स्वातंत्र के लिए इन्होंने परिभाषा भी दी है ईश्वर प्रत्यभिज्ञा विमर्शनी में, स्वातंत्र्यम चास्य अभेदे भेदनम
अनुसंधानेन अभेदनम इति बहु प्रकारा। जो एक अभिन्न शिव है वह अपनी अभिन्नता को त्रुटित करते हुए, अभिन्नता को छोड़ते हुए भेद रूप में, भेद स्वरूप में अपने शिव शक्ति सदाशिव इच्छा ईश्वर और सद्विद्या इनके माध्यम से अपने आप को प्रकट करता रहता है, तो वह अभेद से भेद की ओर गमन करता है। ये तो शुद्धात्वा है। और उसके बाद माया विद्या कला राग काल और नियति आदि षट कंचुकों के माध्यम से वह अपने आप को संकुचित जीव के रूप में प्रकट करता है। इसके बारे में भी मैं अभी बात करूंगी। तो ये कुल मिलाकर यह अपनी स्वरूप गोपन की क्रिया करता है, उसमें यह सृष्टि स्थिति संहार करता है। और जब यह सृष्टि चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है जीव के स्तर पर, तब यह जब ऐसा लगता है कि नहीं अब इस जीव के मलों का परिपाक हो गया है या इसे, तो स्वात्म प्रत्यक्ष ज्ञान भी उसे अपनी अनुग्रह शक्ति से, उस अनुग्रह शक्ति उसके ऊपर होती है और उससे वह स्वरूप लाभ कर सकता है। अजर प्रमात्री सिद्धि में इन्होंने कहा है, स्व स्वातंत्रेण स्वात्मनि एव उद्भासयन विलापयश्च अप्रच्युत स्वात्म स्थिति। मतलब ऐसा नहीं है जैसे जल में लहरें उठती हैं, तो लहरें उठने से जल का स्वरूप कहीं भी खंडित नहीं होता। जो सागर है, महासागर है, उसमें जितनी चाहे लहरें उठें वह वैसा ही रहता है। उसी तरह से यह जो परम शिव है वह स्व स्वातंत्रेण स्वात्मनि एव, अपने में ही, वो जो प्रतिबिंबवाद की बात है, स्वात्म भित्तौ स्व विश्वम उन्मीलयति, अपनी ही भित्ति पर संपूर्ण विश्व को उन्मीलित करता है। तो स्वात्मनि एव अपने आत्मे ही उद्भासयन संपूर्ण विश्व को उद्भासित करते हुए, और अंत में विलापयन संहार की दृष्टि से, और अप्रच्युत अपने आप में वह उसकी स्थिति कहीं भी च्युति नहीं होती। वह जो चैतन्य है, निर्विकार चैतन्य है, वह बना रहता है। इसके साथ ही इसीलिए वह कहा है स्वातंत्र्यम ही स्वप्रकाशत्वम उच्यते। उसमें अपने आप में क्षमता है प्रकाश करने की, प्रकाशित करने की, क्योंकि प्रकाश्यता एव ही पारतंत्र्यम। अगर मुझे अभी इस सब को बोलने के लिए आवश्यकता है, रोशनी हो, इंटरनेट हो, ये हो, और जरा सा इंटरनेट चूक जाता है तो हमारी सारी योजना गड़बड़ा जाती है, इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, तो ये सब पारतंत्र्य है। लेकिन ज्ञान के स्तर पर हम देखें तो ज्ञान जो है वह मेरे अधीन है, जो मेरा ज्ञान है, ज्ञान और क्रिया से वह उद्भासित होता है। कुल मिलाकर यह है कि प्रकाशिता, मुझे प्रकाशित करना है, प्रकाशित होना है, तो उसके लिए मुझे बहुत सारे संसाधनों की जरूरत होगी। लेकिन जब मैं अपने भीतर अपने ज्ञान को जानती हूँ, समझती हूँ, तो मुझे अन्य संसाधनों की कोई आवश्यकता नहीं होती। ये स्वप्रकाशता है। तंत्र सार में इन्होंने कहा है, जहाँ प्रकाशांतर की या किसी अन्य की अपेक्षा नहीं होती। और यही बात इन्होंने ईश्वर प्रत्यभिज्ञा विवृत्ति विमर्शनी में भी कही है, स्वातंत्र्यम च नाम यथेच्छम तत्र इच्छा प्रसरस्य अविघाता। और मैं जो चाहूं वो कर सकूं, मैं जो चाहूं, ऐसा नहीं है कि मैंने चाहा और मैं नहीं कर पाई, तो इच्छा प्रसर, जो मेरी इच्छा है उसका विघात हो गया तो मैं स्वतंत्र नहीं हूं। तेन स्वयं प्रकाशते, मैं अपने आप को भी प्रकाशित करूं और अपने आप को दूसरे रूप में भी प्रकाशित करूं, जैसे मोनो एक्टिंग में होता था, परात्मना प्रकाशते, दूसरे रूप में भी प्रकाशित कर सकूं। इस तरह से अनवच्छेदतया प्रकाशमानता तदेव स्वातंत्र्यम परात्मना प्रकाशते इति, ईश्वर प्रत्यभिज्ञा विवृत्ति विमर्शनी में, कि मैं अपने आप को परात्मना भी प्रकाशित कर सकूं। स्वात्मना तो प्रकाशित कर ही रही हूं मैं, दूसरे के रूप में भी, विश्व के रूप में से प्रकाशित करते हैं अपने आप को, अपने अभिन्न जो विश्व है उसको इस तरह से प्रकाशित करते हैं कि वो हमसे भिन्न प्रकट होता है। और हम जो सब कुछ है, हम अपने आप को संकुचित जीव समझने लगते हैं, अपने सीमाओं को समझने लगते हैं, अपने आप को सीमित समझने लगते हैं, जबकि हम उस असीमित शिव के ही रूप है। इस तरह से जो है यही बात कही है, तथा ही ज्ञान विषयम यथा रुचि संयोजन वियोजन लक्षणम स्वातंत्र्यम प्रकाश विमर्श द्वय सारते। अब इसमें काम क्या आते हैं, प्रकाश और विमर्श। प्रकाश क्या है, चैतन्य स्वरूप है, और विमर्श जो है उसकी शक्ति है, जो उसका बोध है, बीइंग एंड सेंस ऑफ बीइंग। विमर्श क्या है, सेंस ऑफ बीइंग है। तो जैसे
दर्पण है, उसे नहीं पता कि वह इतनी सामर्थ्य रखता है कि बहुत सारी चीजों का प्रतिबिंब कर सकता है। लेकिन जैसे जो चैतन्य है, जो हमारा ज्ञान है, हम जानते हैं कि हम जानते हैं या नहीं जानते हैं, जो भी है। तो हम में चूंकि चैतन्य है, इसलिए तो यह प्रकाश और विमर्श दोनों के होने से ही संयोजन वियोजन व्यापार हो पाता है। ज्ञान लक्षण जो है, ज्ञान आदि का जो हम संयोजन वियोजन कर पाते हैं, ये तभी कर पाते हैं क्योंकि हम में प्रकाश और विमर्श है। और वह प्रकाश और विमर्श आया कहाँ से? वह उस परम तत्व से आया है। और इसीलिए तंत्रालोक में इन्होंने कहा है, वस्तुतः सर्वभावानां कर्तेशानः परः शिवः। सभी भाव पदार्थों का कर्ता कौन है? ईशानः पर शिव जो है, परम शिव जो है, वह सभी भावों का कर्ता है। क्यों? क्योंकि अस्वतंत्रस्य कर्तृत्वं नहि जातु उपपद्यते। मेरे हाथ बांध कर दें या पैर बांध दें और फिर कहें कि दौड़ो, रेस जीतो, तो कैसे संभव है? जो अस्वतंत्र है, वो उसका कर्तृत्व, मुझे चार चीजें दे दी, घड़ा बनाओ, मिट्टी दे दी, चाक दे दिया, ये दे दिया, पानी नहीं दिया, अब मैं घड़ा कहाँ से बनाऊं? स्वतंत्रस्य कर्तृत्व, जो अस्वतंत्र, मैं पानी कहीं से ला नहीं सकती, मेरे पास है नहीं, तो मैं घड़ा कैसे बनाऊं? तो मेरा कर्तृत्व नहीं है क्योंकि मैं अस्वतंत्र नहीं हूँ, मैं उन चीजों पर आश्रित हूँ, तो वह संभव नहीं है। और लेकिन परमेशितु, जो परमेश्वर जो है, स्वतंत्रता च चिन्ह मात्र वपुषः परमेशितु, स्वतंत्रम च जड़म चेति तद अन्योन्यम विरुध्यते। ये दोनों चीजें साथ साथ नहीं हो सकती कि कोई स्वतंत्र भी है और जड़ भी है, ये परस्पर विरोधी हैं। स्वतंत्र चिन्ह मात्र वपुष, जो केवल चैतन्य है, वह स्वतंत्र है, यह परमेश्वर ही हो सकता है। वह परमेश्वर जो है, वह परम स्वतंत्र है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, मतलब कोई चीज या तो की जा सकती है, इच्छा नहीं हो नहीं करे, आज मेरी इच्छा नहीं है तो मैं ना करूं, लेकिन मैं बंधन ग्रस्त हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन वह परम शिव कर सकता है। और यह विश्व जैसा उसने बनाया है, उससे किसी अन्य रूप में भी वह बना सकता था, यह उसकी अपनी स्वतंत्रता थी। और इसीलिए यह जो करता है, वह अनन्य मुख प्रेक्षित, किसी अन्य की अपेक्षा नहीं, अन्य कोई है ही नहीं तो अपेक्षा कहां से होगी, तो उसके बिना ही यह अपने आप ही भेदिते अभेदे भेदनम भेदिते च अंतर अनुसंधानेन अभेदनम। इस यह जो क्रिया है वह निरंतर चलती रहती है, और यह क्रिया जो यह करता है, इसके लिए एक बहुत बढ़िया उदाहरण शिव दृष्टि में सोमानंद देते हैं, मैं पहले वो पढ़ देती हूँ। यथा नृपः सार्वभौमः प्रभावामोद्भावितः क्रीडन करोति पादात धर्मांस्तद् धर्म धर्मतः तथा प्रभु प्रमोदात्मा क्रीडत्येवं तथा तथा। जो यह प्रभु है, यह प्रभु राजा की भांति है, और राजा जो है वह अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकता है। इसके लिए मेरे को बहुत सरल, मैं चूंकि यहाँ कुछ स्टूडेंट्स भी जुड़े हुए हैं और मैं चाहूंगी, विद्वान लोग तो जानते ही इस अवधारणा को कि वह कैसे अपने आप को पशु रूप में प्रकाशित करता है, लेकिन जैसे राजा है, राजा को मौज आई तो वह फकीर बन गया, और वह फकीर बन गया तो फकीर कैसे बना? शिव ने अपने आप को पशु रूप में प्रकाशित कर दिया। और पशु रूप में प्रकाशित कैसे किया? त्रिविध मल है। त्रिविध मल कौन कौन से हैं? आणव, मायेय और कार्म। आणव मय क्या मल क्या है? स्वातंत्र्य हानिर्बोधस्य स्वातंत्र्यस्य अपि अबोधता द्विधा आणवम मलमिदम स्वस्वरूप अपहानिता। अब क्या हुआ, राजा जब फकीर बना तो वह अपनी फकीरी में ही मस्त हो गया, उसको लगा कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसके स्वातंत्र की हानि हो गई, मतलब आपका जो बैंक बैलेंस था वो किसी ने फ्रॉड करके लूट लिया। या स्वातंत्र्यस्य अपि अबोधता, जो आपका बैंक बैलेंस था उसका आपके आपकी पासबुक खो गई, आपको ध्यान ही नहीं रहा कि आपके पास बैलेंस, मतलब कोई पैसा भी है, तो अब आप फकीर से भटक रहे हैं, ना आपको खाने के, आपके पास खाने पीने को भी नहीं है, कोई कुछ दे देता है तो खा लेते हैं, नहीं तो ऐसे ही है। और उसमें भी जो कुछ आपके पास थोड़ा सा था, उसके लिए भी आपको भिन्न वेद्य प्रथा त्रैव मायाख्यम जन्म भोगदम, वो भी किसी और का लगने लगता है, जन्म और भोग देने वाली मायी मल वहां काम करने लगता है। और कर्तरी अबोधे तु कार्मम माया शक्ते ही वेतत्रयम। और फिर आपसे कहा जाता है कि आप ये करो ये करो ये करो, अरे आप जानते ही नहीं कि क्या करना है क्या करना है। तो राजा जो है वह फकीर हो गया, और फकीर हो गया, एक तो ये त्रिविध मलों से हुआ, और दूसरी बात षट कंचुकों से हुआ।
जो क्या है, माया, विद्या, कला, राग, काल और नियति। और ये मैं इनके बारे में भी एक उदाहरण ये भी देती हूँ, चाहे राजा का उदाहरण दें या दूसरा उदाहरण हम ये दे सकते हैं कि एक व्यक्ति जो मतलब सांसारिक उदाहरण है यह, कि एक व्यक्ति ने अपने उसको अभिनेता बनना है तो अपने जो गांव में उसकी जितनी भी पूंजी थी वह खेती बाड़ी बेचकर और सारा धन संपत्ति इकट्ठा करके वह बंबई पहुंच गया। और बंबई जब पहुंचा तो वहां स्टेशन पर उतरा तो वहां ठगों का सरदार मिल गया उसे। उसने कहा, अच्छा, आपको अभिनेता बनना है, चलिए चलिए मैं आपको ले चलता हूँ और आपको फलाने उनसे मिला दूंगा, उनसे मिला दूंगा और अभिनेता बना दूंगा। और वह उसकी गठरी लेकर भाग गया। तो उसके पास जो जितना भी धन संपत्ति था वह सारा चला गया, उसके पास जीवन यापन का कोई साधन नहीं बचा। तो ऐसी स्थिति में कला, विद्या, राग, काल आदि आते हैं, वो उसको कुछ 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 देते जाते हैं। इसके लिए बहुत बढ़िया ये ईश्वर प्रत्यभिज्ञा विमर्शनी में जो इन्होंने कहा है, एवं कला, विद्या, काल, राग, नियति भी रोत प्रोतो मायया अपहृत ऐश्वर्य सर्वस्व सन। माया ने जिसका संपूर्ण ऐश्वर्य छीन लिया है उसको पुनरपि प्रतिवितीर्ण पुनः देते हैं तत् सर्वस्व राशि मध्यगत भाग मात्र। उस सर्वस्व राशि में से जो सर्वतंत्र स्वतंत्र था, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम था शिव, उस सर्वस्व राशि में से कुछ कुछ ये देते हैं। एवं भूतो अयम मितः प्रमाता भाति। विद्या शक्ति थोड़ा सा ज्ञान दे देती है, कला शक्ति थोड़ी सी क्रिया दे देती है, नियति ये करना है ये नहीं करना है ये बता देती है। तो इस तरह से इदानीम इदम किंचित जानानः, जो सर्वज्ञ था वो अब कुछ कुछ जानने लगता है, थोड़ा थोड़ा समझने लगता है। इदम कुर्वाणो, जो सब कुछ कर सकता था वो कुछ कर पाता है। और राग जो है वो उसे विषयों से संयोजित करता है। और अत्रैव च या सो अहम्, मैं जो था जो सर्वव्यापी था वो संकुचित होके इतना सा हो गया। तो वो जब ईश्वर है या वो जो सर्वतंत्र स्वतंत्र है वह, या जो राजा है वह क्या करता है, वह संकुचित हो जाता है, सीमित हो जाता है। अब वो सीमित हो गया क्यों हुआ भाई, क्या जरूरत थी उसे, वह अपनी राजा होने में मस्त क्यों नहीं रहा। तो इसका उपाय, इसका जवाब देते हैं क्रीड़ा। राजा मतलब कई बार बहुत सारी चीजें, सब कुछ आप जो मांगो वह आपको मिल जाए, सब कुछ आपके पास हो तो भी इंसान घबरा जाता है शायद। या जो हमारे यहाँ सृष्टि की जो बात कही जाती है कि यह सारी जो सृष्टि है, जो परम पूर्ण है ईश्वर, वह सृष्टि क्यों करता है, तो कहा जाता है यह उसका स्वभाव है या लीला के वश, क्रीड़ा के वश वो करता है। ये भी ईश्वर प्रत्यभिज्ञा विमर्शनी में कहा है, देवो ही क्रीड़ाशील उच्यते क्रीड़ा एव च स्वातंत्र्यम्। क्रीड़ा ही उसका स्वातंत्र है, वह क्रीड़ाशील है और इसीलिए स्वस्वातंत्र्य महात्म्यात् शिवादिक शित्यंत अशेष विश्वात्मनो उल्लासनम एव अस्य क्रीड़ा। इसकी क्रीड़ा क्या है, वो जैसे माटी के खिलौने बना रहा है और तोड़ता जा रहा है, उसी तरह से शिव से प्रारंभ करके क्षिति अंत, ये जो तत्व है 25 तो सांख्य के और 11 इनके 36 तत्वात्मक, ये जो है विश्वात्मनो उल्लासनम एव, विश्वात्मकता से अपना उल्लास, अपना प्रकटीकरण जो करता है, यही इसकी क्रीड़ा है, यही इसका खेल है। सर्वोत्कर्षेण वर्तन इच्छा, सबसे ऊपर मैं सबसे ऊपर रहूं ये इसकी इच्छा है और यही इसका स्वतंत्र होने का व्यवहार है। इसलिए एक जगह इन्होंने कह दिया है स्वातंत्र्यम इच्छा शक्ति लक्षणम एव, ईश्वर प्रत्यभिज्ञा विवृत्ति विमर्शने में, कि यह इनकी इच्छा शक्ति ही है जो स्वातंत्र को प्रकट करती है, या ये स्वातंत्र के माध्यम से अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति को अपनी क्रियाकलापों के, स्वतंत्र क्रियाकलापों के माध्यम से प्रकट करते हैं। और इसीलिए इन्होंने, यह जो आत्माराम सदा तृप्त हैं और सब कुछ कर सकते हैं, उनको सृष्टि रचना ये इसलिए नहीं करते कि मेरे मुझे कुछ चाहिए। चाहिए कहाँ से, बाहर से, बाहर तो कुछ है ही नहीं, बाहर से कुछ मिलेगा भी नहीं। तो इसलिए, और ये बात आप देखेंगे बादरायण ने भी कही है, लोकवत्तु लीला कैवल्यम, और विष्णु पुराण में भी कहा गया है क्रीड़तो बालकस्य क्रीड़ा तस्य निशामय। मतलब सब जगह जहां हम ईश्वर को परम तत्व मानते हैं, परम पूर्ण मानते हैं,
और फिर उससे सृष्टि की बात करते हैं, तो कहीं ये बात नहीं आती कि वह कहीं से कुछ पाने के लिए सृष्टि करता है। वह तो सृष्टि करता ही है, क्योंकि उसको करना है, या उसका स्वभाव है। और यहाँ इस दर्शन में तो इन्होंने सत्ता को सभी क्रियाओं में स्वातंत्र तो माना ही है, खा पुष्पादि में भी सत्ता को माना है। सत्ता च भवन कर्तृता सर्व क्रियाशु स्वातंत्र्यम सा च खा पुष्पादिकम अपि व्याप्नोति इति महति। खा पुष्प जो है आकाश पुष्प, क्योंकि बाहर कुछ है ही नहीं, सब कुछ जो है वह ईश्वर के भीतर ही है और वह ईश्वर में समाहित है। तो अगर हम खा पुष्प आदि की, वो लौकिक दृष्टि से जब हम कहते हैं कि खा पुष्प की सत्ता नहीं है, लेकिन सत्ता तो है, विचारों में है सत्ता, व्यवहार में है सत्ता, तो सत्ता तो है ही। तो इस तरह से, और सबसे बड़ी बात ये, इसने जब यह राजा फकीर बन गया तो फकीर की तरह जब आचरण करने लगा, तो बहुत समय हो गया फकीर की तरह से, तो परेशान हो गया कि भाई मेरे पास, मैं इस तरह से कब तक मांग मांग के जीऊंगा, कैसे जीऊंगा, तो अब क्या करें। तो अब कहीं से कुछ, इसकी भी तो अनुग्रह शक्ति है ना, शक्तिपात है, तो ये शक्तिपात भी स्वयं ही स्वयं पर करता है। स्वयं ने जब शक्तिपात किया, शक्तिपात के लिए भक्ति की बात करते हैं, भक्ति से शक्तिपात होता है और शक्तिपात से भक्ति होती है। इसके बारे में भी ये अन्योन्याश्रय दोष होने की बजाय बीज प्ररोह कहा जाता है इसको, जिस तरह से कारण कार्य संबंध होता है, और बीज पहले हुआ या वृक्ष पहले हुआ इसके बारे में हम नहीं कह सकते, लेकिन बीज से वृक्ष होता है, वृक्ष से बीज होता है, और इस तरह से यह चक्र चलता रहता है। उसी तरह से यह अनुग्रह करता है स्वयं पर, और अनुग्रह करता है तब क्या स्थिति होती है कि वह जो पासबुक थी जो खो गई थी वह मिल जाती है, या जैसे प्रतिभिज्ञा के लिए कहा जाता है कि रमणी के गले में पड़ा हुआ हार जो है वह खो गया है, तो वह सर्वत्र ढूंढती रहती है, और वह जब ढूंढती रहती है तो उसे मिलता नहीं है। फिर कहीं से गुरु बता देता है कि यह हार तो तुम्हारे गले में ही है, तो फिर वह देख लेता है, और वह उसे कहीं खोया नहीं था, कहीं से मिलता नहीं है, प्रतिभिज्ञा हो जाती है। प्रतिभिज्ञा पर बहुत चर्चा आज सुबह भी हुई थी। तो प्रतिभिज्ञा क्या है? प्रतिभिज्ञा जो आपके पास है उसे पहचान लेना, उसे भूल गए थे आप, इसलिए आप बाहर ढूंढ रहे थे, लेकिन बाहर ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह आपके भीतर ही है, और आपके भीतर है तो आप उसे पहचान पाते हैं, और वह पहचानने में अगर कोई सहायक है तो वह सहायक भी आपका स्व है। स्व ही उपाय है, वही अनुपाय है, और वह स्व जो है वह महेश्वर से, चिदात्मा से एकाकारता को, या उससे जुड़ जब जाता है तो स्वतः ही स्व का ज्ञान हो जाता है। और इसीलिए बहुत अच्छे से ईश्वर प्रतिज्ञा कारिका में कहा है, दोनों स्थितियां बता दी है, स्वांग रूपेशु भावेशु प्रमाता कथ्यते पति। जब वह पति, प्रमाता जो है ज्ञाता, चाहे वह परमेश्वर के स्तर पर हो या लौकिक जीव के स्तर पर हो, जब वह भाव जगत के सारे पदार्थों को स्वांग रूप, अपने अंगों के रूप में देख पाता है, जब वह जगत के पदार्थों को संपूर्ण नाना रूपात्मक जड़ा जड़ात्मक जगत को यह समझता है, जैसे हमारे हाथ पैर सब भिन्न भिन्न है और भिन्न भिन्न कार्य करते हैं, लेकिन हम इनको अपने शरीर से अलग अलग नहीं देखते, संपूर्ण शरीर के साथ ही जुड़ा हुआ देखते हैं। उसी तरह से अगर हम संपूर्ण विश्व को अपने शरीर के रूप में एक एकात्मता के साथ देख सकें, तो वह हम पति रूपता को प्राप्त कर लेते हैं, परमेश्वर रूपता को प्राप्त कर लेते हैं, परमेश्वर रूप हो जाते हैं। किंतु वही परमेश्वर अगर माया तो भेदिषु क्लेश कर्मादि कलुषः पशु, वही परमेश्वर जब माया के कारण अपने अंग रूप संपूर्ण संसार को अपने से भिन्न समझने लगता है, यह मेरा है, यह तेरा है, यह जड़ है, चेतन है, यह वनस्पति है, यह स्थावर है, यह जंगम है, इस तरह का जब वह समझने लगता है, तो स्थिति यह हो जाती है कि वह पशु हो जाता है, सीमित संकुचित स्वातंत्र्य वाला जीव हो जाता है, पाशबद्ध पशु हो जाता है, और उस पशु को फिर अपने प्रत्यभिज्ञान के लिए शांभवोपाय, शाक्तोपाय, शांभवोपाय, आणवोपाय, ये तो लौकिक स्तर के उपाय हैं, और अंतिम जो अलौकिक उपाय जिसे अनुपाय कहा है उसकी आवश्यकता होती है। तो इस तरह से इन उपायों के माध्यम से जब वह अपने आप को प्रकट कर लेता है, अपने आप को समझ पाता है, तो वह
शिवता को प्राप्त कर लेता है। और यही बात कही है, लौकिक स्तर पर भी ज्ञान प्राप्ति की दृष्टि से यही महत्वपूर्ण है कि जब तक, मतलब हम देखते हैं विद्यार्थियों को, सभी लोग पढ़ाते हैं, हम इतनी कोशिश करते हैं कि हम उन तक वह सिद्धांत पहुंचा सके, बहुत सारे सरल उदाहरणों के द्वारा हम पहुंचाते हैं, लेकिन कई बार विद्यार्थी नहीं समझ पाते, हम बहुत कोशिश करते हैं, तो उसके बारे में भी स्व ही अंतिम उपाय है। बहुत अच्छा इन्होंने तंत्रालोक में कहा है, नहि अस्य गुरुणा शक्यम स्वम ज्ञानम शब्द एव वा धी रोपयितुम तेन स्वप्रबोध प्रमो ध्रुवम। कोई भी गुरु ठूस ठूस के किसी के मस्तिष्क में कोई ज्ञान नहीं भर सकता। गुरुणा स्वम ज्ञानम शब्द एव वा धी रोपयितुम न शक्यम। वो कोई किसी की बुद्धि में रोपित नहीं कर सकता, किसी तरह से संभव ही नहीं है। यहाँ तो स्वप्रबोध प्रमो ध्रुवम, स्वप्रबोध अपना जो ज्ञान है वही संभव है, वही हो सकता है, वो अपने ज्ञान से ही ज्ञान प्राप्त होगा। जब वह व्यक्ति स्वयं ज्ञान प्राप्ति का इच्छुक होगा और वह ज्ञान को प्राप्त करने की उसमें पात्रता होगी, तभी वह उस ज्ञान को अच्छी तरह से प्राप्त कर सकेगा। इस तरह से यह जो ज्ञान है, यह ज्ञान क्रिया इच्छा सभी के लिए स्व और स्वतंत्रता, स्व का अपने आप पर आश्रित होना ही महत्वपूर्ण है। और स्वतंत्र कर्ता पाणिनि ने भी कहा है, और वह भी स्वतंत्र कर्ता कैसा, जो ज्ञान इच्छा ज्ञान और क्रिया से युक्त है, और कर्तृत्व ही वह इच्छा ज्ञान और क्रिया से युक्त होना है। तंत्रालोक में इन्होंने कहा है, ज्ञान चिकीर्षा कृतिमत्वं कर्तृत्वं। इच्छा ज्ञान और क्रिया से युक्त होना, स्वतंत्र इच्छा ज्ञान और क्रिया से युक्त होना ही कर्तृत्व है। कर्तृत्वं नाम चेतनस्य स्वातंत्र्यं तच्च तदनतिरिक्तम्। यह चेतन का स्वातंत्र ही उसका कर्तृत्व है और वो उससे भिन्न नहीं है, कहीं नहीं है, जो हम में है, हमारी इच्छा। इसीलिए संकल्प शक्ति की बात करते हैं, इच्छा शक्ति की बात करते हैं। अब हमारी संकल्प शक्ति दृढ़, योगी निरुपादानम अर्थ जातम प्रकाशयेत की बात जब करते हैं, तो वह अपनी संकल्प शक्ति को इतना विकसित कर लेते हैं, अपनी सामर्थ्य को इतना विकसित कर लेते हैं कि वो अर्थ की प्रसिद्ध प्रकाशित कर सकते हैं। तो जो स्वतंत्र कर्ता है, जो कर्ता है, वह ज्ञान चिकित्सा कृतिमत्व से युक्त है, चैतन्य से युक्त है, और वह स्वतंत्र है अपने आप में कुछ भी करने में, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, स्वतंत्र है। यही स्वातंत्र्य चैतन्य है। और अगर ऐसा नहीं होगा, कर्तृत्वम नाम चेतनस्य स्वातंत्र्यम तच्च तद अनतिरिक्तम, ये बात है। और कर्तृत्वे ज्ञातता भवेत् नहि कर्तृत्वम बिना ज्ञान क्रियायाम अपि कर्तृत्वम्। कर्तृता तो जरूरी है, ज्ञान की भी क्रिया है, ज्ञान प्राप्ति भी अपने आप में क्रिया है, ज्ञान प्राप्ति की क्रिया होती है और ज्ञान को अभिव्यक्त करने की भी क्रिया होती है। क्रिया के बिना ज्ञानम भारः, क्रियाम बिना ज्ञान शून्य हो जाता है। मतलब मैं जानती हूँ, अगर मैं नहीं बोलती तो आप लोगों को नहीं पता चलता कि मैं क्या जानती हूँ। तो ज्ञान के लिए, ज्ञान को जानने की क्रिया होती है, ज्ञान को अभिव्यक्त करने की क्रिया होती है, और इसके लिए इच्छा या संकल्प शक्ति की सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इस तरह से यह एक पूरा साइकिल हो जाता है, देव इसके परमेश्वर के स्तर पर यह पूरा साइकिल है कि वह अपने आप को स्वरूप गोपन करता है, स्वरूप गोपन के पश्चात सृष्टि में विहार करता है, विचरण करता है, सृष्टि का जो भी सब कुछ है हम देखते हैं, और उसके बाद फिर वापस अपने स्वरूप को प्रकाशित अपने लिए कर लेता है। यह बात भी तंत्रालोक में बहुत अच्छे से कही है, इसलिए मैं इसे पढ़ूंगी जरूर से। देवः स्वतंत्रश्चिद् रूपः प्रकाश आत्मा स्वभावतः रूप प्रच्छादन क्रीड़ा योगाद अणुरनेकः। देव जो है, यह परम तत्व जो है, स्वतंत्र है, चिद्रूप है, स्वभाव से प्रकाश आत्मा है, और वह अपने रूप प्रच्छादन की क्रीड़ा से अनेकों अणुओं रूप के रूप में, अनेकों पशुओं के रूप में अपने आप को प्रकाशित करता है। और स स्वयं कल्पिताकार विकल्पात्मक कर्म भी बदनाति आत्मानमेव स्वातंत्र्यादिति वर्णिता। वह स्वयं को,
कल्पित आकार, विभिन्न आकारों की कल्पना जैसा कि हम सारे संसार में देखते हैं, कल्पित कर लेता है। और विकल्पात्मक कर्म भी, अनेक प्रकार के कर्म हैं, उन कर्मों से अपने आप को क्या करता है, बंधनाती, बांध लेता है। आत्मनम एव इह इस लोक में स्वातंत्र्यात्, अपने स्वातंत्र्य से अपने आप को अपनी कल्पनाओं के द्वारा विविध आकारों और कर्मों में बांध लेता है। और लेकिन सिर्फ ये नहीं कि बांध के छोड़ देता है, चाबी ताला लगा के चाबी भूल जाए कहीं और खो जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाए। तो फिर क्या है, उसके स्वातंत्र्य की ही महिमा है। स्वातंत्र्य महिमे वयम देवस्य यदसौ पुनः स्वम रूपम परिशुद्धम संस्पृशति अपि अणुतामया। वो अणुतामय हो जाता है, अणुरूप है, लेकिन यह उस परम तत्व के स्वातंत्र्य की महिमा ही है कि वह अपने स्वयं के परिशुद्ध रूप को पुनः स्पर्श कर पाता है, पुनः प्रत्यभिज्ञान कर पाता है, जान पाता है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। और न केवल यह अपितु बहुत सरल से, जैसे मैंने कहा था कि इन्होंने अपने जो स्तोत्र हैं उसमें भी बहुत छोटे छोटे सूत्र, बहुत सरल से बहुत अच्छे सूत्र दिए हैं। जैसे अनुत्तराष्टिका में, जैसे लोक लौकिक जो हम पशु रूप हैं, हम पशु रूपता से ऊपर कैसे उठे, तो उसके लिए इन्होंने बताया है कि संसारो अस्ति न तत्वतः स्तनुभृतां बंधस्य वार्तैव का, बंधो यस्य न जातु तस्य विदथा मुक्ति क्रिया। तनुभृतां, हम जो शरीरधारी हैं उनके लिए संसार तत्वतः, तात्विक रूप से, पारमार्थिक रूप से, पारमार्थिक रूप यानी त्रिकाला बाधित जो होता है, तीनों कालों में जो उसी रूप में बना रहा है, उस रूप में तो संसार है ही नहीं। तो तत्वतः संसार शरीरधारियों के लिए नहीं है, बंधस्य वार्तैव कहा। बंधन की तो फिर बात ही नहीं करनी चाहिए, हम बंधन ग्रस्त हैं ही नहीं, और हम बंधन ग्रस्त नहीं है इसलिए हमें मुक्त भी कोई और नहीं करा सकता, मुक्त भी हम स्वयं ही होंगे। हम जब ये जान लेंगे, जैसे वो उदाहरण दिया जाता है कि गधे को बांध दिया था और वह खूंटे से बंधा रहता था तो वह दूर जा नहीं पाता था। एक दिन उसका मालिक उसे बांधना भूल गया, लेकिन वह फिर भी दूर नहीं गया, उसे लगा कि मैं बंधन ग्रस्त हूँ। तो बंधन ग्रस्त अगर आप अपने आप को मानेंगे तो आपको कोई और मुक्त नहीं कर सकेगा, लेकिन बंधन वास्तविक है ही नहीं, तो आप मुक्त हैं। बस आप अपने मुक्त स्वरूप को पहचानना आपको आवश्यक है। वह कैसे पहचानेंगे, उसके लिए भी ये बताते हैं। मिथ्या मोह क्रदेश रजु भुजग छाया पिशाच भ्रमो माँ किंचित त्यज माँ गृहाण विलस स्वस्थो यथावस्थिता। मतलब ये तो रज्जु भुजक की भांति है, रस्सी में सांप है, या पिशाच की माया है या छाया है। तो हम अगर इसको इसी रूप में समझ लें कि ये सारा जो है यह तात्विक नहीं है, तो माँ किंचित त्यज, किसी को छोड़ना भी नहीं है, महाग्रहण कुछ ग्रहण भी नहीं करना है, विलस विलास करना है, ये स्वस्थ स्वस्मिन स्थित्वा, अपने आप में स्थित रहकर यथा अवस्थिता, जैसे है वैसे बने रही है, जैसे है वैसे बने रही है, यही आपका प्रत्यभिज्ञान है और यही सब कुछ है। इस बंधन ग्रस्त, इस संसार में अपने आप को बंधन ग्रस्त मानेंगे, सीमित कर्तृत्व से युक्त मानेंगे तो बहुत मुश्किल होगी। और यही बात इन्होंने और कही है, यथा स्थितस तथैव आस्व मा गा बाह्यम अथांतरम। जैसे हो वैसे बने रहो, बाहर भीतर आना जाना मत करो, और करो तो भी ये जानते हुए कि यह सब कुछ मेरा अपना स्वरूप है। केवलम चित विकासेन विकार निकरान चाहिए, चैतन्य का विकास करो, ये बाहर की सारी सृष्टि जो है यह मेरे ही चैतन्य का स्वरूप है, जो चैतन्य मुझ में है वही उनमें है, सभी संसार में है, इस तरह से लगातार बने रहेंगे तो अपने शिव रूप को प्राप्त कर सकेंगे। और सबसे बड़ी बात, अभिनव गुप्त का वैशिष्ट्य जो है, अभिनव गुप्त ने जो ये स्वातंत्र्य की अवधारणा दी है और जो इनका विशाल साहित्य है, और इस साहित्य में हम देखते हैं कि इन्होंने दर्शन, काव्य, भक्ति, तंत्र, सौंदर्य शास्त्र, साहित्य शास्त्र, इन सब का एक सामरस्य पैदा किया है। इन्होंने अपने साहित्य में, वही बात जो मैं शुरू की थी वहीं से मैं समाहार करना चाहूंगी कि
ऐसा नहीं है, किसी भी ग्रंथ को हम ये नहीं कह सकते ना केवल ये दर्शन का ग्रंथ है या केवल साहित्य का ग्रंथ है, सभी कुछ है। तो ये एक सामरस्य शब्द शब्दावली जो है यह शिवाद्वैतवाद के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, और इनके ग्रंथों में इनके जीवन में तो इन्होंने सामरस्य का अनूठा उदाहरण तो पेश किया ही है। और इन्होंने इसीलिए ये कहा है, ये भी नहीं कहा है कि इसमें मन को स्थित करो या इसमें स्थित करो, यत्र यत्र मनो याति तत्रैव धारयेत् चलित्वा कुत्र गन्तासि सर्वं शिवमयं जगत्। अगर आपका मन किसी संगीत में लगता है, साहित्य में लगता है, या और भी किसी चीज में लगता है, जिस भी चीज में लगता है उसी में मन को एकाग्र करें, क्योंकि सब कुछ शिवमय है, सारा संसार शिवमय है। तो जिस भी चीज पर आप एकाग्र करेंगे वह शिव पर ही एकाग्र करना होगा। तो अगर आप शिव पर एकाग्र करते हैं तो अपनी शिव रूपता की प्राप्ति या साक्षात्कार अवश्य कर पाएंगे, अपने शिव रूप को नमन। और सभी श्रोताओं में, सभी में जो शिव रूप है उसको नमन करते हुए मैं अपनी बात का यहाँ समाहरण करती हूँ। मुझे अवसर दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बीना जी, आपने आचार्य अभिनव गुप्त की स्वातंत्र्य अवधारणा को लेकर एक बहुत ही सार गर्भित और सार्थक प्रस्तुति की है। यह एक ऐसी अवधारणा है जिसका कि नामना तो सबने श्रवण किया हुआ है, परंतु आपने अपने गहन अध्ययन से आज उसके विविध आयामों पर प्रकाश डाला, और आपने यह भी हमको बताया कि शिवाद्वैवाद स्वातंत्र्य के साथ में किस प्रकार से संबद्ध है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा भी आपने हमको बताई कि आचार्य अभिनव गुप्त का जो रचना संसार है वह किसी एक विधा अथवा एक विषय से संबद्ध नहीं है, अपितु वहां साहित्य, दर्शन, सौंदर्य शास्त्र और कला तथा नाट्य गलबैया करते हुए चलते हैं। तो प्रत्येक विधा कैसे एक दूसरे में उसका अंतर्भाव हो जाता है, और जैसे जैसे हम वैचारी की उदात्तता की ओर अग्रसर होते हैं वैसे वैसे हम उस अद्वय का अनुभव करते हैं, वह चाहे इन विधाओं के स्तर पर हो, विषय के स्तर पर हो अथवा दर्शन के स्तर पर हो। तो कला भी अपने परिपाक पर दर्शन हो जाती है, और दर्शन भी अपने परिपाक पर साहित्य का आनंद और रसास्वाद देने के लिए उद्यत हो जाता है। यह बिल्कुल सही। एक बहुत ही अद्भुत अवधारणाएं हैं, इनको हम जैसे जैसे पढ़ते हैं वैसे वैसे हम स्वयं उसके रस में आनंदित होते रहते हैं। और आपका यह व्याख्यान आद्यंत हमको किस प्रकार से रस में निमग्न कर रहा था कि सभी एकदम से स्तब्ध होकर रसानुभूत का अनुभव कर रहे थे। मैं अभी सर्वप्रथम तो हमारे इस कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर आशुतोष अंगिरस जी, उनको पहले तो आमंत्रित करती हूँ, और उसके बाद में यदि श्रोताओं के मन में जिज्ञासाएं हैं और वे हमारी विदुषी वक्ता से कुछ जिज्ञासा समाधान करना चाहते हैं, तदनंतर मैं उनको आमंत्रित करूंगी। सबसे पहले मैं प्रोफेसर आशुतोष अंगिरस जी से प्रार्थना करती हूँ कि वे अपने अध्यक्षीय उद्बोधन से हम सभी को लाभान्वित करें। मैडम, ये अध्यक्षीय जो भार है ना, ये मैं इसके योग्य नहीं हूँ। मैं तो स्वयं अभी जिज्ञासु हूँ और इसीलिए आप लोगों से मार्गदर्शन की अपेक्षा करता हूँ। तो इसलिए मैं उस दृष्टि से तो नहीं, लेकिन दो तीन बातें एक जिज्ञासु होने के संदर्भ में मैं आप लोगों से साझा करना चाहता हूँ। क्योंकि डॉक्टर बीना जी ने जिस तरह से सभी पक्षों को छुआ है, उसको क्या कोई और तरीका हो सकता है देखने का, सोचने का, समझने का? और वो हमारे लिए कौन से नए मार्गों का उद्बोधन कर रही हैं, उसके विषय में मैं अगले 2-3 मिनट में आपसे बात करूंगा। और फिर मैं चाहूंगा, क्योंकि हमारे साथ कई ऐसे लोग जुड़े हैं जो इस विषय के कई नए आयामों को खोलेंगे, जिनमें से डॉक्टर आनंद गुरिये जी और
ललित परिमू जी भी फिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और भी कई लोग हैं, सबका नाम तो मैं नहीं ले रहा, लेकिन चलिए सीधे विषय के ऊपर आते हैं। देखिए, मेरे लिए स्वतंत्रता के दो पक्ष हैं। एक तो जो है जिसे आप कहेंगे सत्ता स्वातंत्र्य, और दूसरा है क्रिया स्वातंत्र्य। हम जीव होने के नाते, और इसको और थोड़ा सा इसको और ठोस अगर बना लें, तो हम भारतीय होने के नाते, विश्व मानव होने के नाते, या एक नागरिक होने के नाते, हमें दो ही अपेक्षाएं होती हैं स्वतंत्रता की। एक, हमारी सत्ता को स्वीकार किया जाए, और दूसरा हमें क्रिया की स्वतंत्रता मिले। अब इस सारे शब्द को, स्वतंत्रता शब्द को, जब आप अपने यथार्थ, जो कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन और इंडस्ट्री ने दिया है, ट्रेड ने दिया है, टेक्नोलॉजी ने दिया है, उसके साथ जोड़ते हुए उसको दिशा देने के लिए आपको शैव दर्शन की शरण में जाना पड़ता है। अब उसमें इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको महासाहस करना पड़ता है। वातुलनाथ सूत्र में वो कहते हैं महासाहस वृत्या स्वरूप लाभा। ये स्वतंत्रता आपको मिलेगी ही तब जब आपने साहस करने का, और साहस को छोटा मोटा नहीं, महासाहस। तो इस महासाहस के स्वरूप को जब तक नहीं समझेंगे और उसे क्रिया में परिवर्तित नहीं करते, तो स्वतंत्रता कोई अर्थ नहीं रखेगी। वो स्वतंत्रता कोई जड़ स्वतंत्रता नहीं है, वो टेक्नोलॉजी वाली स्वतंत्रता नहीं है कि आपको जो है अब आपको फिजिकल लेबर करने की जरूरत नहीं है, अब आप घर बैठे आप आदेश दें, स्विच ऑन हो जाएंगे, लाइट्स ऑन हो जाएंगी, और आगे आगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने और आपको बहुत सारी फ्रीडम दे दी है, और चैट जीपीटी ने तो और एक नई तरह की स्वतंत्रता आपको उपलब्ध करा दी है। आपको पेपर लिखने की जरूरत नहीं, आप उसको आदेश दें, वो आपका कार्य कर देगा। दूसरी तरफ जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्वतंत्रता है, वो एक बिल्कुल ही अलग तरह की स्वतंत्रता है, जिसने हमारे जीवन के व्यवहार को बिल्कुल ही बदल दिया है। जिसके जो मुंह में आए वो बोलते हैं, वाक स्वतंत्रता उन्होंने दे दी है कि जो जो बोल सकता है वो बोलते, और बोलते बोलते हम लोगों ने इतने विरोधों को उत्पन्न कर दिया है, इतनी विकृतियों को उत्पन्न कर दिया है। तो उसको करेक्ट करने के लिए मुझे लगता है कि हमें शैव दर्शन के, अभिनव गुप्त के इस स्वातंत्र्य की अवधारणा को ठोस करना चाहिए, ताकि हम कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम को सही दिशा दे सकें, और जो टेक्नोलॉजी के द्वारा दी गई स्वतंत्रता है उसको भी निश्चित कर सकें, निर्धारित कर सकें। अब इसका एक पक्ष और मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं कि इस स्वतंत्रता, जिसको अक्सर फ्रीडम के रूप में गलत रूप से ट्रांसलेट करते हैं, मैडम ने भी उसका जिक्र किया था। देखिए, एक तो है आपको बंधनों से मुक्ति की अपेक्षा होती है, फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेजेस। लेकिन एक इसके आगे का, इससे जुड़ा हुआ बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो हम सबके लिए चर्चा का विषय होना चाहिए, विचार का विषय, वो है व्हाट टू डू विद योर फ्रीडम। आपको और मुझे उस स्वतंत्रता का करना क्या है, कैसे सदुपयोग करना है। आज हमारे समाज की अगर सबसे बड़ी चुनौती है, तो वो है कि ये जो स्वतंत्रता दी गई है, चाहे तथाकथित आप इसके साथ शब्द जोड़ लीजिए, उस स्वतंत्रता को करना क्या है, कैसे उसका सदुपयोग करें। और उसी का जो विकृति है, वो उसके परिणाम हम सभी भुगत रहे हैं, और देख रहे हैं कि किस तरह से, किस दिशा में स्वतंत्रता जो है, ये दी गई जो स्वातंत्र्य है, इसका किस तरह से दुष्प्रयोग हो रहा है। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हम इंटेलेक्चुअल लाइफ से एक सेंसिबल लाइफ की ओर अग्रसर हों, तो कश्मीर शैव दर्शन जो है वो स्वतंत्रता, उसकी जो स्वतंत्रता की अवधारणा है, उसको हम अधिक ठोस बनाएं, उसको अधिक मर्यादित रूप में इस तरह से प्रस्तुत करें कि हमारी वो जो बुद्धियों में विकृति आ गई हुई है, व्यवहार में विकृतियां आ गई हैं, वो उसको मर्यादित कर दें। तो इसलिए ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, व्हाट टू डू विद योर फ्रीडम। अब ये स्वतंत्रता जो है, एक इसका एक पक्ष और भी मेरे ध्यान में आता है कि हमारे स्तर पर, और महेश्वराचार्य और उस तरह के आचार्यों के लिए स्वतंत्रता दो प्रकार की हो सकती है। आपकी और मेरी जो स्वतंत्रता है वो सायास स्वतंत्रता है, हमें एफर्ट्स करने पड़ते हैं, लेकिन अभिनव गुप्त की अनायास स्वतंत्रता है,
महामहेश्वर की जो स्वतंत्रता है वो अनायास है, एफर्टलेस है। तो हमारा जो प्रयास होना चाहिए स्वतंत्रता के लिए वो सायास से अनायास की ओर होना चाहिए। ये भी हमें बीच में एक बिंदु ध्यान रखना होगा। और एक दो बातें और करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि मुझे ऐसा लगता है, और थोड़ा बहुत आप विद्वानों की शरण में आकर के जब समझ में आने लगती है बात, तो ऐसा लगता है कि स्वतंत्रता इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेवल ऑफ आनंद। आपके आनंद का स्तर आपकी स्वतंत्रता का बोधक है, और आपकी स्वतंत्रता आपके आनंद के स्तर को निश्चित करती है। तो अगर आपने अपनी स्वतंत्रता का मूल्यांकन करना है तो आप देख लीजिए आप कितने आनंद में हैं, और यदि यदि आप आनंद की स्थिति में हैं तो आपका अनुभव हो जाएगा कि आप कितने स्वतंत्र हैं। तो इसलिए इस एक संबंध को भी हमें देखना और जानना आवश्यक है। और अंतिम बात मैं कुछ इस तरह से करना चाहता हूं कि इस स्वतंत्रता की कुछ एक विशेषताएं जरूर ध्यान में हमें रखनी चाहिए, क्योंकि इसको जब हम विषय विस्तार करते हैं तो जैसे इसमें परिपूर्णता की बात मैडम ने की, ये एक अपनी विशेषता है, स्वतंत्रता की अपनी एक विशेषता है कि इसमें पूर्णता का भाव होता है। साथ ही साथ आत्मनिर्भरता का भी भाव है, क्योंकि तभी तो वो चिति स्वतंत्रता विश्व सिद्धि हेतु ये सूत्र लिखे गए। फिर स्वतः निर्धारण करना है कि उसकी इच्छा है कि भाई वो किधर को क्या प्रसारित प्रसरण करेगा, ये उस शिव पर निर्भर करता है, तो ये स्वतः निर्धारणता है। फिर उसमें सर्वोच्च रचनात्मकता भी है, इस स्वतंत्रता की ये भी विशेषता है कि दुनिया भर को, सारे विश्व को, सारे ब्रह्मांड को, 36 तत्वों को वही जो है उनका उन्मेष उन्मीलन करता है। और सबसे अंतिम बात जो मुझे लगता है कि ध्यान देने वाली है स्वतंत्रता के विषय में, वो है कि वो सभी प्रकार के विरोधाभासों से ऊपर है। वहां कोई विरोध आपको दिखाई नहीं देगा, हो ही नहीं सकता, जो कि जिन चार विरोधाभासों को हम झेल रहे हैं, हमारा समाज झेल रहा है, जिसमें कि हमारा, जिसे आप कह लें कि बौद्धिक द्वंद्वों को हम झेल रहे हैं, भावनात्मक द्वंद्वों को भी झेल रहे हैं, कार्मिक द्वंद्वों को भी झेल रहे हैं, और भाषा स्तर पे तो अतिचार जो कर ही रहे हैं उसका तो पता ही है आप सबको। तो इन चारों द्वंद्वों से ऊपर जो है वो इसकी अंतिम और सर्वश्रेष्ठ जो है वो ये विशेषता है कि वहां किसी प्रकार का कोई विरोधाभास आपको दृष्टिगोचर नहीं होता। तो कुल मिलाकर के मैं यही निवेदन आप लोगों के साथ साझा करना चाहता था कि इसको हम निर्धारित करें, स्वतंत्रता को इस तरह से परिभाषित करें और उसको अप्लाइड करें कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्वतंत्रता दी गई है और फंडामेंटल राइट्स के रूप में, और दूसरी ओर जो टेक्नोलॉजिकल फ्रीडम दी गई है, इनको नियंत्रित हम करें इस अवधारणा के साथ जो अभिनव गुप्त के द्वारा दी गई है, उसको हम प्रभाव में लाएं ताकि ये समाज का लोक हित हो, लोक संग्रह हो और लोक। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत आभार। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर आशुतोष जी, आपने बहुत सुंदर समाहार किया और आपकी टिप्पणी से हम यह निष्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं कि किस प्रकार से जो अभिनव गुप्त पादाचार्य ने सिद्धांत प्रतिपादित किए वो जीवन दर्शन बनकर किस प्रकार से हम सभी का कल्याण कर सकते हैं, और सिद्धांत तथा प्रयोग इन दोनों में जब समन्वय हो जाता है तभी कोई वैचारी की उदात्तता की ओर हमें, हमारे जीवन को अग्रेसारित कर सकती है। और एक बहुत ही सुंदर बिंदु जो आपने व्याख्यायित किया कि सायास स्वतंत्रता और अनायास जो बिना प्रयास के प्राप्त होने वाली स्वतंत्रता है, और सायास स्वतंत्रता जो है वह अवर कोटि की होती है, जबकि अनायास प्राप्त होने वाली, बिना प्रयास के प्राप्त होने वाली स्वतंत्रता वह अवधारणा जो है वही उत्कृष्ट कोटि की है। इन सभी वैचारिक बिंदुओं का मंथन होते होते जो नवनीत प्राप्त होगा वही मुझे प्रतीत होता है कि इस प्रकार की वैचारिक गोष्ठियों का निष्कर्ष है, और वही हमें
एक उत्कृष्ट मार्ग की ओर हमारी वैचारिकी को समृद्ध करते हुए हमारे जीवन को समृद्ध करता है। इस मंच पर बहुत ही विद्वान साथी इस मंच को सुशोभित कर रहे हैं, आदरणीय ललित परिमो जी। प्रातः काल में उनका बहुत ही सुंदर हमने अध्यक्षीय वक्तव्य सुना, और अविनाश जी ने भी मेरे ख्याल से बीच में कुछ टिप्पण करने के लिए एक ऐसा निवेदन किया। मैं इस मंच पर आप सभी को आमंत्रित करती हूँ। आप अपनी कोई जिज्ञासा भी रखना चाहें या कोई टिप्पणी करना चाहें, आपका स्वागत। जी, धन्यवाद। सुबह का सत्र भी अच्छा रहा, थोड़ा नाटकीय जी, भी हुआ। स्वागत है ललित परिमल जी आपका। सबसे ज्यादा आनंद आशुतोष जी ने लिया, मंद मंद मुस्कुराते हुए भिड़ा दिया कुछ लोगों को। खैर, ड्रामा तभी बनता है जब थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो। अभी के सेशन में बीना जी ने बहुत सुंदर तरीके से जो बुनियादी शैव दर्शन की बातें हैं, अभिनय गुप्त की बातें हैं, जो टेक्स्ट में भी पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम शिव शक्ति सदाशिव टिल द फंडामेंटल एलिमेंट्स, कुछ जिक्र प्रत्यभिज्ञ का भी हुआ, तो उनके कॉन्टेक्स्ट में एक दो बातें कहना चाहूंगा। फिर आशुतोष जी ने भी जो अभी कहा उस पर एक दो बातें अपनी रखना चाहूंगा। फिर एक दो सवाल है मेरे, वो आशुतोष जी से करना चाहूंगा, बीना जी से कोई सवाल नहीं उनकी बातों को पुष्टि करते हुए ये कहना चाहूंगा कि मैं इसके पक्ष में रहा हूं, क्योंकि मैं साधना मार्ग में पहले आया और दर्शनों का गूढ़ अध्ययन बाद में किया। तो मेरा ये बहुत जोर दे के मानना है कि शैव दर्शन का अध्ययन बगैर साधना के ठीक से संभव नहीं है। जिस हम शिव की स्वतंत्र शक्ति की बात कर रहे हैं, वो अगर साधना के माध्यम से हमारे अनुभव में नहीं आती है, तो वो थियोरेटिकल वर्ल्ड में या इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड में ही घूमती हुई रहेगी और वो कभी प्रैक्टिकल अप्लाइड वर्ल्ड में नहीं आ सकती। ये मेरा बहुत जोर देके विश्वास है। और जब मैं फेसबुक के जरिए भी बहुत सारे कश्मीरी पंडितों के संपर्क में रहा, तो बहुत सा आर्ग्यूमेंट डिबेट इस पे चलता रहा। क्योंकि एक इंटेलेक्चुअल स्टडी बरसों से आप करते रहें, तो उससे एक मान्यता आ जाती है कि हम जो पढ़ रहे हैं या बोल रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, वो तो हमें पता ही है। ये एक दोष हो जाता है। आत्मदर्शन या आत्मज्ञान की बात करने वाला पंडित 25-30 साल 40 साल से जो बोल रहा है, बोल रहा है, बोल रहा है, उसे लेकिन स्वयं की आत्मा का बोध नहीं हुआ है, ऐसा अक्सर होता है। ये ठीक वैसा ही है आज के समय में बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ाने वाले प्रोफेसर जो 1-1 करोड़ की सैलरी लेते हैं, अगर उन्हें 50 लाख रुपया या 50 करोड़ रुपए दे के बोला जाए कि भाई आप बिजनेस करो, वो कर नहीं पाएंगे। टीचिंग बिजनेस इज वन थिंग एंड डूइंग बिजनेस इज अनदर थिंग। ऐसा एक सूत्र है, मेरे हाथ लगा था, संस्कृत का विद्वान नहीं हूं, बट पढ़ता रहता हूं इधर उधर। अनभ्यासेन विषम शास्त्र, चार जहर चार पॉइजन्स की चर्चा है। अनभ्यासेन विषम शास्त्र, शास्त्रों का अध्ययन बिना अभ्यास के इज डेंजरस, इज लाइक पॉइजन, बिकॉज वी जस्ट फील कि वी नो इट बट वी डू नॉट नो इट। सो आई पर्सनली इन अ वेरी हम्बल वे, जो सुबह भी कुछ बातें आशुतोष जी ने कही थी एक नए तरह से पढ़ने पढ़ाने की, तो उसमें एक इनकॉर्पोरेट कीजिए कि साधना जो लोग करते हैं, जानते हैं और केपेबल हैं सिखाने के लिए, पर्टिकुलरली जब हम अभिनव गुप्त का स्टडी कर रहे हैं, अभिनव गुप्त इज अ स्टूडेंट स्कॉलर मास्टर ऑफ तंत्र। सो तंत्र का फंडामेंटल नॉलेज विच इज प्रैक्टिकल हैज टू बी लर्न एंड टॉट एंड डन, और उसमें आप गिरे उठे ये अलग बात है, क्या होने वाला है आपके साथ ये अलग बात है, वो लेकिन उतरना पड़ेगा। अगर आपको तैराकी पे लेक्चर देना है तो तैरना पड़ेगा, संगीत आपको सिखाना है तो खुद सीखना पड़ेगा। तो ओनली डिस्कसिंग अभिनव गुप्त इज इनसफिशियंट इन माई ओपिनियंस, अनलेस एंड अंटिल वी प्रैक्टिस द फंडामेंटल तंत्र साधना विच डील्स विद द अवेकनिंग ऑफ कुंडलिनी विद द हेल्प ऑफ इष्ट मंत्र एंड विद द बिगिनिंग ऑफ दीक्षा एंड अभिषेक एंड विच हैज टू बी डन अंडर द सुपरविजन ऑफ अ टीचर। सो मैं ये नहीं कह रहा, मैं अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकता हूँ, सब लोग यहाँ महानुभाव है, एज ए टीचर आप मुझे पूरा टीचर ना समझें, आप मुझे असिस्टेंट टीचर के रूप में लीजिए, बट दैट्स ऑल्सो सफिशेंट। अगर आपके पास गुरु नहीं है कोई, तो आप असिस्टेंट गुरु से काम ले सकते हैं और सही मार्ग पे चल सकते हैं, विच इज द प्रैक्टिकल। तंत्र पे इतना लिखा जो है अभिनव गुप्त जी ने, सुबह भी एक जो बात हुई थी उसमें ये बातें रह गई थी, वो एक मूवमेंट की तरह काम हुआ है,
जोरदार मूवमेंट चला कश्मीर में तंत्र को एक छत के नीचे लाने का। वो एक दो जगह ऐसे संस्कृत सूत्र भी मैंने पढ़े कि एक काम करना है कि तंत्र को एक छत के नीचे लाना है, सारे तंत्रों का जो 64 तंत्र थे उस वक्त उसको एक जगह लाना है, इसलिए तंत्रालोक जैसी वृहद पुस्तक बनी, फिर उसका एब्रिज्ड वर्जन तंत्रसार बना, फिर उसके अलावा इतनी पुस्तकें बनी और जो उसके बाद भी कुछ स्टूडेंट्स जो इनके रहे अभिनव गुप्त जी के वो काम करते रहे, लेकिन मैं इस पर डिस्कस नहीं करूँगा कि वो कैसे डिस्ट्रॉय किया गया, वो अलग बात है, बिकॉज उसके बाद मूवमेंट खत्म हो गई। कश्मीर में जब ये मूवमेंट इतना चला तो कश्मीरी पंडितों के पास वो सिस्टम क्यों नहीं है? वो कश्मीरी पंडितों का समाज टू मच ऑफ कर्मकांड में कैसे लिप्त है, जबकि उनके पास कुंडलिनी जागरण की विद्या तब से है। कौल नाम के साधकों की परंपरा 18वीं सदी तक 17वीं सदी तक रही और वो अपने अपने घरों में ही कोने में ही साधना करते रहे और इस्टेब्लिश होते रहे, जन समाज जो है अवहेलित रहा। अभिनवगुप्त डिस्कवर किए गए हैं अंग्रेजों द्वारा 19वीं सेंचुरी में, अगर इसमें बहुत सारी तो जानकारियां आप सबके पास होंगी। शैविज्म शब्द भी किसी मिस्टर चैटर्जी ने दिया है, वो बंगाली हैं तो उनके सामने मार्क्सिज्म, सोशलिज्म, फेमिनिज्म, एग्जिस्टेंशलिज्म, विदेशी फिलॉसफी आई है। शैविज्म शब्द ही गलत है मेरी नज़र में, ये शैव दर्शन के रूप में ही प्रचलित होना चाहिए, इज्म शब्द का प्रयोग ही नहीं होना चाहिए। लेकिन जब तक साधना के साथ इसका तालमेल नहीं होगा तब तक जिस स्वतंत्र की बात कर रहे हैं हम वो अनुभव में नहीं आएगी। वहाँ पे एक दो बात और कहना चाहूँगा जो आशुतोष जी ने कहा, उस पर मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि जीवन के तीन आयाम हैं फंडामेंटली, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। भौतिक जगत में और मानसिक जगत में स्वतंत्र असंभव है, इट इज इम्पॉसिबल टू हैव कंप्लीट फ्रीडम इन द वर्ल्ड ऑफ फिजिकैलिटी। फिजिकली तो हम बंधे हुए ही हैं, हमें इस बंधन को स्वीकारना ही है कि हम ये शरीर 10 इंद्रियों से जो चल रहे हैं ये बंधन है, मन भी एक प्रकार से बंधन है, बुद्धि की भी सीमाएं हैं। बुद्धि कितनी भी विकसित हो जाए, एक आदमी 10 सब्जेक्ट में PhD कर ले फिर भी वो कहीं ना कहीं अज्ञानी है। उसने अगर काव्य शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र, दर्शन शास्त्र अध्ययन कर लिया, संस्कृत कर लिया, उसने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, फिजिक्स नहीं पढ़ी, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा, तो वहाँ वो कोरा है। तो लिमिटेशन वहाँ भी है, अधूरापन वहाँ भी है। केवल आध्यात्मिक जगत में स्वतंत्रता संभव, ये बात ध्यान और साधना के मार्ग से ही समझ में आता है। वो शिव जो जब हम इसको ये कंपेयर करें कि इंडिविजुअल जो है मिनिएचर यूनिवर्स है, वो शिव जो किताबों में है जब अनुभव में आते हैं तो वो हमें सहस्रार चक्र में मिलते हैं। ये अब अलग बात है, प्रैक्टिकल और अप्लाइड साधना की बात है। शिव का अनुभव सहस्रार चक्र में ही संभव है। सहस्रार चक्र के अलावा एक गुरु चक्र की चर्चा है, गुरु चक्र सहस्रार चक्र का जस्ट नीचे का पार्ट है, जिसे हम अंग्रेजी में कई बार पीनियल ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। तो वहां स्वतंत्रता है और वो साधना में संभव है, ड्यूरिंग साधना, चाहे 5 मिनट की हो, 10 मिनट की हो या 10 सेकंड की हो, वो आप पूर्व फुल यूनिवर्स से मिल जाते हैं और फील करते हैं एज शिव। दैट इज द ओनली पॉसिबिलिटी। बाकी फिजिकल और मेंटल वर्ल्ड में, सोशल वर्ल्ड में, इकोनॉमिक वर्ल्ड में देर कैनॉट बी एनी फ्रीडम एट ऑल। वो बंधन का स्थान है, बंधन ही रहेगा। जैसे अगर कोई जीवन मुक्त भी हुआ है जिसकी कुंडलिनी पूरी जग गई तंत्र मार्ग में, जिसे कॉल साधक कहते हैं, जो कॉल हो गया, जैसे ही वो समाज में फंक्शन करेगा उसको लिमिटेशंस का सामना करना पड़ेगा। ये उसकी ट्रेनिंग है कि वो कैसे अपने आप को उस शिव के साथ एक पैर शिव के संसार में रखते हुए एक पैर इस फिजिकल वर्ल्ड में रखते हुए काम कर रहा है, ये उसकी अलग ट्रेनिंग है। भारतीय परंपरा में बहुत जो ऊंचे साधक हैं वो भाग गए समाज से। भारतीय समाज की जो दुर्दशा हुई है पिछले 1000 साल में उसकी वजह यही है, जो ज्ञानी गुणी और साधक थे वो समाज छोड़ के चले गए, घर छोड़ के चले गए, बीवी बच्चे छोड़ के चले गए, एक अलग ही परंपरा बनी रही। तो जो अधूरे इंसान थे उनके सामने ही बाकी चीजें रही, तो समाज इसीलिए अवहेलित रहा और इजीली कॉन्कर होता गया विदेशियों द्वारा। ये पिछले 1000 साल की कथा है। अभिनवगुप्त इस बात को जानते थे कि ऐसा होने वाला है, इसलिए उन्होंने एक बड़ा जोरदार मूवमेंट शुरू किया, बट वो फेल हो गया आफ्टर 100-200 ईयर्स। तो जो भी है, अगर अभी कोशिशें हो रही है, अब मैं पॉइंट आता हूँ जिसपे आशुतोष जी ने सुबह भी जिक्र किया था, जिसमें मुझे थोड़ी हैरानी हुई कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम को इसके साथ रिलेट करने की कोशिश हो रही है, तो सवाल बाद में पूछूंगा, पर पहले ये कि ये कहाँ से ये अवधारणा आ रही है या ये किस तरह का विचार शुरू हो रहा है या विमर्श शुरू हो रहा है कि हमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम दी है उसको हम शिव की स्वतंत्र शक्ति से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये
मुझे क्लियर कहीं से हुआ नहीं, बिकॉज दीज टू थिंग्स आर टोटली अपार्ट, बहुत ही डाइवर्स चीजें हैं ये। शिव का स्वतंत्र शक्ति साधना मार्ग की चीज है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम की जो बात है वो बहुत ही सोशल वर्ल्ड की चीज है, वो समाज बनाने का एक ब्लूप्रिंट है। जैसे एक जमाने में मैग्ना कार्ट उधर 12वीं सदी में विदेश यूरोप में बना, इंग्लैंड में बना, भारत में बहुत पहले मनुस्मृति एक संहिता आई। उसके अलावा संस्कृत विद्वान है आप सब जानते हैं, याज्ञवल्क संहिता भी एक थी। तो वो संहिताएं सोशल कोड कहलाती है, तो वो समाज को चलाने के लिए एक सिस्टम चाहिए, एक ब्लूप्रिंट चाहिए। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है डेफिनेटली विदेशियों की इंस्पिरेशन से बना है, डेमोक्रेसी और मॉडर्न साइंस को लेकर बना है। तो वहां पे मेरी नज़र में ये शिव का स्वतंत्र शक्ति कहीं फिट नहीं होता, तो उसको कैसे वो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं इस पर वो थोड़ा सा प्रकाश डालें। और अगर वो इसको जोड़ते हुए एक मूवमेंट चला रहे हैं या चलाना चाहते हैं, तो मैं उसमें अपनी तरफ से ये कहना चाहूँगा इसमें कंट्रीब्यूशन हो सकता है, वो ऐसे कि हम स्पिरिचुअल वैल्यूज और मॉरल वैल्यूज को प्रचारित करें सिंपल वे में, कि चूंकि सो कॉल्ड जो कॉन्स्टिट्यूशन का ढांचा है जिसकी वजह से समाज जैसा है वैसा बन रहा है, तो उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, त्रुटियां आ रही हैं, डिफेक्ट्स आ रहे हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूशन के भी डिफेक्ट्स हैं उनको हाईलाइट करें, फिर वो विषय थोड़ा अलग हो जाता है, वो सोशियो इकोनॉमिक वर्ल्ड, सोशियो कल्चरल वर्ल्ड का सब्जेक्ट आता है, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड से प्रेरणा लेते हुए ही समाज को बनना चाहिए। आशुतोष जी ने सुबह इकोनॉमिक्स की भी बात कही थी, तो उसमें भी जैसा इकोनॉमिक सिस्टम है, जिसको हम अभी थोड़ा अलग विषय है कैपिटलिज्म कहते हैं, बीच में कम्युनिज्म आया, वो भी कैपिटलिज्म का प्रच्छन्न रूप ही है, सिक्के के दो कॉइन है ये, कैपिटलिज्म हो या कम्युनिज्म। तो अभी जो जरूरत है इकोनॉमिक सिस्टम की, वो स्पिरिचुअल इकोनॉमिक्स की जरूरत है। अगर इकोनॉमिस्ट स्पिरिचुअलिटी से इंस्पायर हों, उसमें हमारे तमाम पुराने और आध्यात्मिक जितने शास्त्र हैं, इंक्लूडिंग अभिनव गुप्त का जो वर्क है, वो इंस्पिरेशनल बन सकता है। कि आप देखिए, इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो बुनियादी बात है वो है कि जो मिनिमम पे जी रहा है व्यक्ति, उसको भी संग लेके चलना है, उसका भी ख्याल करना है, ये नहीं कि केवल अमीर लोगों का ही ख्याल करें। तो जब आप स्पिरिचुअल इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो एक नए विचार की श्रृंखला खुल सकती है, और शायद वैचारिक श्रृंखला जो इकोनॉमिक्स को चला रहे हैं सो कॉल्ड बिजनेसमैन, उनके मानस पटल पर परिवर्तन आए और जो समाज को शुभ दिशा की तरफ ले चले, इसकी संभावना है। थॉट का जो पावर है वो है, उसको हमें स्वीकार करना होगा, और लगातार बम्बार्ड किया गया ये खास किस्म का थॉट, और अगर साधकों का थॉट आता है तो वो दूसरे के माइंड को भी चेंज कर सकते हैं। आपके पास इतनी शक्ति आनी चाहिए कि आप घर बैठे, वो जो संकल्प की बात है, घर बैठे उस शक्ति का प्रचार करें और कॉस्मोस में या समाज में या पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल चेंज आए और एक नए तरह की चिंतन धारा आए। तो मैं यहाँ पे अपनी बात खत्म करता हूँ, और अगर आशुतोष जी थोड़ा सा और क्लैरिफाई करें अपने इस कॉन्स्टिट्यूशन। जी, बिल्कुल, मैं दो बातें स्पष्ट करना चाहूंगा। एक तो जो आपने बीच में ऑब्जर्वेशन दी कि भी अच्छे लोग जो हैं जंगल जंगल में भाग गए और गुणी लोग निकल गए, ऐसा कभी नहीं हुआ। वो कुछ एक जरूर गए हैं, लेकिन जिन लोगों ने गृहस्थ में रहते हुए बलिदान दिए हैं, ये उनकी वजह से आप तक ये सारा का सारा ज्ञान आप तक पहुंचा है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ एक उदाहरणों को देख करके आप ये अनुमान कर लें कि गुणी लोग वहां चले गए और सब कुछ गड़बड़ हो गया, ऐसा नहीं है। कभी आप काशी के पंडितों का भी देखिए कि घर बैठे ही उनके जिस तरह से गर्दनों को काटा गया, और उसके बावजूद उन्होंने अपने कर्मकांड, और कर्मकांड बहुत बहुत विकसित समाज की देन होती है, क्योंकि उसमें सौंदर्य शास्त्र भी निहित होता है, उसमें तंत्र भी निहित होता है, पूरा लाइफस्टाइल उसमें एक बंधा हुआ होता है। वो आपका आधार है जो आज तक, उनके प्रति हम ऋणी है जिनसे आज हमें वो सब कुछ मिला है। अब ये है कि हमारी दृष्टि उतनी विकसित नहीं है कि हम उस कर्मकांड को देख पाए। कर्मकांड वेस्ट के अर्थ में, रिचुअल के अर्थ में देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको वो पाखंड लगेगा, लेकिन जब मैं कर्मकांड को देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि पंडित मुझे एक थाली में पूरे का पूरा ब्रह्मांड बना के दे रहा है, समझा रहा है कि कौन सा नक्षत्र कहाँ है और उसके साथ मेरा संबंध क्या है। ये तो ये नंबर दो जो आपने बात की है, बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात है कि ये साधना शास्त्र है और अभिनव गुप्त का जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है उसके साथ कॉन्स्टिट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल को जोड़ने की क्या जरूरत है। मैं पिछले लगभग 25-30 सालों से मेरा ये प्रयास रहा है कि हम संस्कृतज्ञों को ये प्रयास करना चाहिए कि जो
नैरेटिव डिजाइन किया जा रहा है उसको हम संस्कृत की शब्दावली से, अवधारणाओं से नियंत्रित करें। आम आदमी जिसे आप कहते हैं, जिसको पढ़ाया जा रहा है, जिसको ट्रेन किया जा रहा है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनली ट्रेन कर रहे हैं। आप फ्रीडम शब्द स्वतंत्रता के अर्थ में दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, लेकिन हर आदमी को आपने वो स्वतंत्रता शब्द पकड़ा दिया, तो वो कैसे आप उम्मीद करते हैं कि वो अभिनव गुप्त की स्वतंत्रता को समझ पाएगा? तो मेरे लिए चुनौती ये है कि मैं अभिनव गुप्त की स्वतंत्रता को अस्त्र शस्त्र बनाते हुए, उसे ढाल बनाते हुए मैं दूसरों को चुनौती दूं और अपना मत रखूं। तो परमत खंडन और स्वमत स्थापन, इसके लिए मुझे इस तरह की आवश्यकताएं होती हैं। इसलिए मैं उस कॉन्स्टिट्यूशनल स्वतंत्रता, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैंने प्रयास करके जो ह्यूमन राइट्स है वो संस्कृत शास्त्र बेस्ड ह्यूमन राइट्स को भी डेवलप किया, इंडियन साइकोलॉजी को डेवलप किया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आप चाहें तो हम मोदी की गवर्नेंस को जो है मूल्यांकन संस्कृत शास्त्रों के आधार पर करें। ये आवश्यकता है, अगर ये नरेटिव हम नहीं लाते तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो दी हुई शब्दावली है वो आपको कंफ्यूज करेगी और हम फिर बचते रहेंगे, नहीं नहीं हम तो साधना में जा रहे हैं। साधना आवश्यक है क्योंकि मुझे अगर विकसित होना है तो साधना का पक्ष लेना ही पड़ेगा, लेकिन हमारी भाषा तो विकृत हो चुकी है। आप किस इंटेलेक्चुअल को समझाएंगे कि भाई स्वतंत्रता क्या होती है? वो उसके लिए स्वतंत्रता का अर्थ तो वही है कि मैं नारे लगा लूं, मैं किसी को गाली दे लूं, किसी के लिए कुछ भी कर लूं, बोल लूं। आप समझा के देख लीजिए उसको। तो उस इसीलिए मैंने बात की थी कि चार प्रकार के जो द्वंद्व आज मनुष्य के भीतर हैं, समाज के भीतर, उनको नियंत्रित अगर करना है तो ये स्वतंत्रता का भाव हमें विकसित करना होगा। इस जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को सभी इंटेलेक्चुअल लोग एक शस्त्र के रूप में और ढाल के रूप में यूज करते हैं, उसी तरह से हमें इन शब्दावलियों को प्रयोग करना होगा, और वही मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इसीलिए मैंने बहुत सारे चित्रों को विकसित करने का प्रयास किया है, लेकिन वो ठीक है, उन सब में असफल हूँ, मुझे उससे कोई वो नहीं है। तो अभी तो इतनी बात, बाकी हम चर्चा कर सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे समस्त श्रोता जिस रूप में टिप्पणियां कर रहे हैं उससे ये प्रतीत हो रहा है कि सबकी इस प्रकार की जो सार्थक चर्चा है उसमें कैसी रुचि जागृत कर दी आप सभी विद्वानों ने। ऋषभ जी ने अपना हाथ खड़ा किया है, वे अपनी कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं, मैं उनको आमंत्रित करती हूँ। ऋषभ जी, और उसके बाद आनंद गुरिये जी हैं, डॉक्टर आनंद जी, कनाडा से इस वक्त हैं। ठीक है, नमस्ते। मैं तो यहाँ पे बहुत दिग्गज लोग बैठे हैं, क्या आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? जी 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 बिल्कुल जी, आपकी आवाज आ रही है ऋषभ। बड़े बड़े प्रोफेसर्स बैठे हैं, आई एम सॉरी, पर मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, मैं अपने आप को बहुत छोटा समझता हूँ, बहुत एक स्टूडेंट हूँ, मैं नवशिक्षा हूँ इस इन चीजों में। बट मैं कुछ एक दो बातें ऐड करना चाहूंगा, ऐसा कि नहीं मुझे आप लोगों से ज्यादा कुछ नहीं पता है, बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत में पहले से ही हर किसी जो हमारे शास्त्र है, मतलब जो हमारे तंत्र है, या मतलब जो हमारे भगवान या गॉडेसेस है, उनको हम विद्या कह के संबोधित करते थे। वो इसका रीजन ही इसीलिए था, रीजन यही था कि उनको हमें अपनी कठोर तपस्या से टायरलेसली हमें उनको सिद्ध करना होता था। जब कोई इंसान किसी भगवान को सिद्ध कर लेता था तो बोलते थे कि वो भगवान उस इंसान के अंदर आवेश कर लेते थे, आवेशम हो जाता था। तो जस्ट बिकॉज जब वो आवेशम हो जाता था उसमें, उस भगवान या देवी का, तो उस टाइम वो देवी जो विद्या स्वरूप होती थी, वो विद्या उसके अंदर अपने आप आ जाती थी, वो विजडम, वो सारी नॉलेज उसके अंदर अपने आप उजागर हो जाती थी, उसको वो सब चीजें दिखने लगती थी। इस वजह से मतलब वो व्हील जो मतलब बोलते हैं वो पर्दा हट जाता था, नेचर गेव एक्सेस टू दैट नॉलेज टू दैट बीइंग हु हैड, मतलब जिसने वो अच्छे से तपस्या की होगी उन देवी की या विद्या की या भगवान की। इसी वजह से
उसको मतलब इसी वजह से जब वो लोग जब वो फिलोसफीज लिखते थे उन फिलोसफीज का नाम उन दर्शन कहा गया। जैसे शैव दर्शन की बात हो रही है, शैव दर्शन का मतलब क्या है कि जैसे अभिनव गुप्त जी ने उनको सिद्धि कर ली, जैसे शिव जी की सिद्धि कर ली अगर, तो उनको अंदर से उसका दर्शन दिख गया, उस नॉलेज का दर्शन दिख गया, उस वजह से उन्होंने जो वो फिलोसफीज लिखी तो उनको हम शैव दर्शन कहते हैं। वैसे ही डिफरेंट फिलोसफीज को हमारे भारत में दर्शन कहा गया है। तो इस वजह से जैसा पारिमु जी कह रहे हैं, मैं उनसे पूरी तरह सहमति रखता हूं कि मतलब जो हम फिलोसफीज पढ़ते हैं, ये दर्शन का हम जो अध्ययन करते हैं, इसके साथ ही साथ उस देवी या देवता का साधना करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो दर्शन अगर किसी को हुआ है वो उसी वजह से हुआ है, ताकि जब वो साधना कर ली है किसी ने तभी उस वजह से उस चीज का दर्शन हुआ है। तो both these things have to be done in tandem, मतलब parallelly वो दोनों चीजें हो जानी चाहिए, तभी जाके ये वो experience, वो दर्शन, वो विद्या असल मायने में उस इंसान में भी आ जाएगी जो उसका अध्ययन कर रहा हो। तो ये मैं एक पॉइंट रखना चाहता था। दूसरा मैं ये पॉइंट रखना चाहता था, मैं कश्मीर संगम एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हाँ, ये एग्जैक्टली एक्यूरेट है कि एक लाइव मास्टर, एक गुरु को कोई भी मशीन, कोई भी कंप्यूटर एप्लीकेशन जैसे चैट जीपीटी की यहाँ पे बात हो रही है, उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, गुरु की एनर्जीज को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। बट फिर भी आज के टाइम पे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, मतलब बहुत सब लोग सब कुछ बोल पा रहे हैं इंटरनेट पे, तो ऑथेंटिक सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। एज ए पार्ट ऑफ इट इन कश्मीर संगम व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज, बिकॉज हमारे पास एक जब हम कंप्यूटर्स में काम करते हैं तो एक लिमिटेशन आ जाती है, इंग्लिश लैंग्वेज के साथ ही हमें काम करना पड़ता है। इस वजह से हम एक इन हाउस चैट बॉट बना रहे हैं, चैट जीपीटी जैसा चैटबॉट बना रहे हैं, जिसको हम ट्रेन कर रहे हैं ऑन इंग्लिश कमेंट्री ऑफ दीज आवर स्क्रिप्चर्स, सो दैट बिकॉज हमने देखा है कि बहुत सारे इंस्टेंसेस में चैट जीपीटी ने जिस इंफॉर्मेशन पे ट्रेन किया है, वो इंफॉर्मेशन वो देता है लोगों को, इट इज वेरी बायस्ड और विकृत, बहुत विकृत है उसमें। तो इस वजह से हम उस एंगल में भी काम कर रहे हैं, बहुत ही जल्दी हम उसका एक बीटा वर्जन रिलीज कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच, ठीक है ऋषभ जी, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद जी, मैं आपसे निवेदन करती हूँ आप अपनी टिप्पणी के साथ पधारे। नमस्कार, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। बीना जी का और आप सभी का, आशुतोष अंगिरस जी का धन्यवाद। मेरी हिंदी भाषा पूरी तरह विकसित नहीं हुई है, तो थोड़ा इधर उधर हो जाऊंगा तो समझ लीजिएगा। यहाँ पे मुझे दो टिप्पणियां हैं और एक सवाल है। ये टिप्पणियां, सवाल जो है वो ऐसा है कि अपने यहाँ स्वतंत्रता और अधिकार, कॉन्सेप्ट ऑफ अधिकार, ये एक साथ जाते हैं। जिसका अधिकार ज्यादा उसकी स्वतंत्रता ज्यादा, और वो अधिकार कमाया जा सकता है। और इसके बारे में, अधिकार के बारे में शैव सिद्धांत में या अधिकार के बारे में अभिनव गुप्त ने कुछ टिप्पणी की होगी या उसके बारे में कुछ बताएंगे तो संतुष्टि होगी। दूसरी बात ये बताई गई है कि विद्वान के लिए वाद की तलवार होनी चाहिए और वितंड की ढाल होनी चाहिए, और ये ढाल और तलवार लेके उसने प्रगति करनी चाहिए समाज के हित के लिए, ये बोला गया है। तो दैट इज अ टिप्पणी। और थर्ड पॉइंट, इन मेनी ऑफ द कर्मकांड में हम लोग अक्सर ये देखते हैं कि ये अर्थहीन है, मुझे नहीं समझ में आता इसलिए मैं नहीं करूंगा। दैट इज द स्टैंड विच इज टेकन इन टर्म्स ऑफ कर्मकांड। बट ये अगर आप हम लोग पैरेलल में देखेंगे तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में चेस्टरटन फेंस नाम का एक कॉन्सेप्ट आता है। वो इस तरह से है कि आप एक रास्ता बना रहे हो और रास्ते के बीच में फेंस आ गया,
एक फेंस दिखाई दिया जिसका आपको कोई अर्थ नहीं समझता, तो आपने क्या करना चाहिए? वो उखाड़ के फेंकना नहीं है, आपने उसका अर्थ समझना चाहिए कि ये फेंस क्यों है। अगर मालूम नहीं होगा तो फेंस वहीं पे रख के रास्ता उसी के बाजू से बनाना चाहिए जब तक अपने को वो फेंस का अर्थ समझ में नहीं आता। तो यही कॉन्सेप्ट वी नीड टू बी अप्लाइंग टू कर्मकांड। जब तक मुझे वो समझ में नहीं आएगा तब तक मैं वो करता रहूंगा, क्योंकि उसका इफेक्ट क्या है और वो क्यों किया गया था ये मुझे मालूम नहीं है। सो इट इज अनदर वे ऑफ लुकिंग एट कर्मकांड, दैट इज ऑल। थैंक यू वेरी मच। आपके प्रश्न का उत्तर मैं देना चाहूंगी। स्वतंत्रता के साथ अधिकार की जो बात आपने कही है, मतलब जब हम अभिनव गुप्त के स्वातंत्र की बात करते हैं तो वो शायद दार्शनिक सैद्धांतिक ज्यादा हो जाता है, तो वहां अधिकार अधिकार जैसे ही हम अधिकार की बात करते हैं वैसे ही है, हम स्व से पर की ओर चले जाते हैं, भेद की ओर, अभेद से भेद की ओर चले जाते हैं कि मुझे ये अधिकार है कि मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, और इसलिए मैं ज्यादा स्वतंत्र हूँ। अधिकार के साथ तो फिर कर्तव्य भी जुड़ा हुआ है, अधिकार बिना कर्तव्य के तो कोई अधिकार अधिकार ही नहीं है। मुझे अगर तेज आवाज में म्यूजिक सुनना है ये मेरा अधिकार है, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि पड़ोसी को परेशानी ना हो। तो अधिकार और कर्तव्य जो है वह तो फिर भौतिक प्रत्यय हैं, लौकिक वो हैं। तो जब हम लौकिकता के साथ जुड़ेंगे तो बहुत सारी दूसरी बातें भी आ जाएंगी फिर। अधिकार अधिकार तो बिना कर्तव्य के हो ही नहीं सकता, और अधिकार और कर्तव्य से जो बंधा हुआ है वो स्वतंत्र नहीं हो सकता। तो स्वातंत्र तो यही है जहां आप कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है, हालांकि वो लौकिक स्तर पर संभव नहीं है। ये जो बातचीत हुई मैंने जो कहा वो सैद्धांतिक ही ज्यादा रहा, लौकिक कम रहा, मतलब अभिनव गुप्त का जो था वो दार्शनिक सिद्धांत के रूप में ही रहा, कोई बात नहीं। लेकिन आपने जो वितंडा की ढाल की बात कही है वो तो मुझे लगता है कि तार्किक विजय प्राप्त करने की बात है। वितंडा क्या है? स्वपक्ष स्थापना हीनो वितंडा, मतलब मैं अपना पक्ष मैं क्या मानती हूँ ये तो मैं बोल ही नहीं रही हूँ, जो कुछ आप कहेंगे बस मुझे उसका खंडन करना है। तो जब हम दर्शन की बात करते हैं, दार्शनिक सिद्धांतों की बात करते हैं, वहां हमारा ये फिर वही लौकिक स्तर आ जाता है, बहुत लौकिक स्तर है कि बस मुझे तो शास्त्रार्थ में विजय प्राप्त करनी है ताकि मुझे राज्याश्रय मिल सके। ये जो न्याय के जितने भी पदार्थ हैं वो सब इसी दृष्टि से हैं कि बस किसी भी तरह से आप शास्त्रार्थ में विजय प्राप्त कर लें। तो जब हम दर्शन के ऊंचे स्तर पर जाते हैं तो मेरे ख्याल से ये वाद जल्प वितंडा तो थोड़ा नीचे रह जाते हैं, मुझे मेरा ऐसा सोचना है। तो इसलिए मतलब ढाल वितंडा की हो ये तो फिर सिद्धांत को आगे ले जाने वाली बात तो नहीं हो सकती, ऐसा मेरा सोचना। जी बीना जी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी परंपरा तो कहती ही है कि वादे वादे जायते तत्व बोधः, और आज उसको चरितार्थ कर दिया है समस्त प्रतिभागियों ने और विद्वानों ने। और यह एक ऐसी चर्चा है जो बहुत ही गहन सिद्धांत से प्रयोग की ओर जाने के लिए तत्पर प्रतीत हो रही है कि किस प्रकार से हम ये शैव दर्शन के सिद्धांतों को साधना पथ से चरितार्थ करते हुए इसको लोक संग्रहार्थ प्रस्तुत कर पाए। ये हमारी जो आज की सभा है उसका मुझे एक निगमन बिंदु प्रतीत होता है। डॉक्टर पुष्पा गुप्ता इस पर बहुत सुंदर टिप्पणियां कर रही हैं और कार्तिकेयन जी ने भी अपना हाथ खड़ा किया है। समय बहुत अधिक हो रहा है परंतु मैं आपसे ये निवेदन करती हूँ कि आप थोड़ा सा समय लीजिए अवश्य, और आप अपनी जो भी जिज्ञासा अथवा टिप्पणी रखना चाहते हैं इस पटल पर आपका मैं स्वागत करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक सर्वसाधारण ऐसे कश्मीर शैविज्म के बारे में वगैरह पढ़ता हूँ, मैंने उसमें कोई पीएचडी वगैरह मतलब आप लोग जितना किया, मेरा तो साइंस का बैकग्राउंड है, मेरा उतना अध्यात्म का और फिलोसफी का नॉलेज नहीं है एक्चुअली। तो मेरे को ऐसा माय क्वेश्चन वाज कि हम अभी जो भी हम लोग शैविज्म के बारे में बार बार पढ़ते हैं या हम लोग चर्चा में डिस्कशन में एक दूसरे के साथ विचार रखते हैं, उसका अल्टीमेटली अपन कैसे यूज कर सकते हैं उसको। लाइक मुझे लगता है कि पुष्पा मैडम ने जरा सवाल, शायद मेरा सवाल थोड़ा मॉडिफाई हो गया उनका पढ़ने के बाद, कि व्हाट इज द टेक अवे वी कैन हैव फ्रॉम दिस सेशन लाइक दैट। आई मीन कुछ मैं बताना चाहूंगी, निश्चित रूप से टेक अवे ये है कि आप अपनी आवश्यकताओं को कम करें, स्वात्मनिर्भर बने,
जितना कम से कम संसाधनों में आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं, जितना पराश्रितता है उसे कम करें, तो आप अपने आप आनंद की अनुभूति कर पाएंगे। मतलब मुझे तो पर्सनली ये लगता है संस्कृत विषय को पढ़ने के बाद भी, और ये भी कि मतलब हम जब तृष्णाओं में जीते हैं, गाड़ी फिर बड़ी गाड़ी, कपड़े, मतलब भव्यता, ये जो आज का जो समाज है उपभोक्तावादी समाज है, उपभोक्तावादी युग है, इसी वजह से हम अनेकों परेशानियों में जी रहे हैं, बहुत सारे अवसाद के और इस तरह के केसेस आ रहे हैं। तो इसका टेक अवे यही है कि आत्मनिर्भर बने, और आत्मनिर्भर बनने के लिए यह है कि हम अपनी आवश्यकताओं को सीमित करें, अपने संसाधनों के साथ तालमेल बिठाएं और अपने आप में प्रसन्न रहें। जी, हाँ, टेक अवे की कॉन्टेक्स्ट में 2 मिनट में मैं भी कहना चाहूँगा, हमारे साथी कहाँ चले गए, इस तरह की वार्ताओं का या वेबिनार का जो बेनिफिट है वो टोटल जो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी है उसमें वो पहला कदम है। 3 शब्द अगर आपने सुने हो, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। श्रवण से यात्रा शुरू होती, तो कानों में जो जाता है अभी नॉर्मल लाइफ में, कानों में टीवी, सिनेमा, म्यूजिक, ये सब जा रहा है, लेकिन इन वेबिनार के जरिए जो जा रहा है वो है शिव, वो है शक्ति, वो है शैव दर्शन, वो है अभिनव गुप्त, वो है अध्यात्म, वो है धर्म, इस तरह की बातें। तो इससे आपके मन में और क्यूरियोसिटी जगनी चाहिए फॉर द स्पिरिचुअल टेक्स्ट का अध्ययन करने के लिए। पहला जो स्टेप है वो अध्ययन ही है। तो तंत्र का अध्ययन करें, जब आप थोड़े से और इंस्पायर हो जाएं, फिर मनन की श्रेणी में आए। मनन का मतलब प्रैक्टिकल मेडिटेशन, और उसमें जब आप निष्णात हो जाएंगे तो तीसरा स्तर अपने आप निधिध्यासन का, समर्पण का आएगा। इसके अलावा जो भारतीय संस्कृति के 4 वैल्यूज की बात है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, या काम अर्थ धर्म मोक्ष, उसमें जो तीसरा स्टेज है धर्म, उसकी भी शुरुआत यहीं से होती है। काम हमारे जीवन में आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इसको लेकर है, इंस्टिंक्ट को लेकर है। अर्थ का मतलब है हम रोजी रोटी, घर बार, संसार जो करते हैं उसमें अपना वक्त बिताते हैं। लेकिन ये तीसरा स्टेज जो है धर्म का, और ये कॉन्शियस धर्म की वैल्यू है। जन्म से जो हमें मिला है उस धर्म की उतनी वैल्यू नहीं है जितनी वैल्यू हमें, हम जब होश पूर्वक सीकर बनते हैं ट्रूथ को या सुप्रीम को ढूंढने का जो रास्ता या मिशन हम लेते हैं वही अपने जीवन में, उससे धर्म की यात्रा शुरू होती है। वो धर्म की यात्रा चलती रहती है, चलती रहती है, और जिसकी परिणति या अंतिम पड़ाव जिसका मोक्ष है, ये टेक अवे आप मान सकते हैं। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि ये संस्कार प्रक्रिया है, वेबिनार्स जो है ये संस्कार प्रक्रिया है। केवल विचार का विस्तार हो, बुद्धि जरा सूक्ष्म हो जाए और भावनाएं जरा शुद्ध हो जाए, तो ये टेक अवे है। खैर जी, यदि और किसी बहुत बहुत धन्यवाद। और आशुतोष जी, मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो पर्दे के पीछे काम करते हैं। मैं मीनाक्षी शर्मा जी का यहाँ पर अवश्य ही नामना कथन करना चाहूंगी कि वे सारे कार्यक्रम के लिंक बनाना, रिकॉर्डिंग करना, फीडबैक फॉर्म सबको उपलब्ध करवाना और तदनंतर सर्टिफिकेट्स का भी जो है वितरण करना, ये बहुत बड़ा दायित्व है। और वो किस प्रकार से सूत्रधार होते हुए भी कभी भी प्रकट नहीं होती हैं, और वे मेरी भगिनी भी हैं, तो मुझे बड़ा गर्व है इस बात पर। मैं उनके लिए विशेष रूप से यहाँ पर आभार अभिव्यक्त करती हूँ, और उन्हीं का अभी आदेश है कि आप सबसे ये निवेदन कर दें कि सभी अपना फीडबैक फॉर्म अवश्य भरें। और मुझे कई बार ऐसा भी लगता है कि हमको तो ऐसी चर्चा के बाद में लगता है कि इसका फीडबैक तो स्वतः ही प्रकट हो रहा है, परंतु कुछ ऐसी औपचारिकताएं हैं जिनका हम निर्वाह अवश्य ही करना चाहते हैं, क्योंकि हमको कई बार की उनको कभी प्रदर्शित भी करना पड़ता है किन्हीं किन्हीं पटलों पर और अन्य स्थानों पर। तो सभी प्रतिभागियों से मेरा विनम्र निवेदन है, और ये बहुत ही सुंदर परिचर्चा आज आयोजित की है। मुझे ऐसा भी प्रतीत होता है कि कभी कभी जो ब्रह्मांड की शक्तियां हैं या आचार्य अभिनव गुप्त का जो शास्त्र है, जब हम उसकी चर्चा करते हैं तो वह अपनी सारी शक्ति के माध्यम से
या अपनी अवधारणाओं के माध्यम से हमको एक ओज और ऊर्जा प्रदान करता है, और इस प्रकार की अवधारणाओं का चिंतन करने का जो हमको अवसर प्रदान करता है। ललित परिमू जी ने बहुत सुंदर बात कही और आशुतोष जी ने कि हमारा ये संस्कार निर्मिति प्रक्रिया का एक साधन है, और ये संस्कार कि हम अनवरत रूप से जो श्रवण करते हैं वो केवल श्रवण तक सीमित नहीं रहता है, वो श्रवण मनन बनता है। हम कालांतर में सोचते रहेंगे कि उस दिन ये अवधारणा बहुत सुंदर बीना जी ने कही थी या ललित परिमो जी ने ऐसा बोला था, वो हमारे मन के किसी एक कोने में बसता है, और धीरे धीरे मनन के माध्यम से वो निधिध्यासन पर्यंत यात्रा करता है। और यही इस प्रकार के शास्त्रों का या आचार्यों के ग्रंथों का अध्ययन करने का, श्रवण करने का, मनन करने का एक प्रयोजन होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी आचार्यों को और सभी जिज्ञासु श्रोताओं का, और जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के अनेक छात्र भी इससे जुड़े हैं। और ये इसी प्रकार से आशुतोष जी जो अग्रिम भी हमारे कार्यक्रम है वो भी हम अपने भी विद्यार्थियों में साझा करते रहेंगे, ताकि एक सप्ताह पर्यंत ये जो हमारी वैचारिक यात्रा है जिसके माध्यम से हम अपनी परंपरा के एक महनीय आचार्य का स्मरण कर रहे हैं, उनके शास्त्रों पर चिंतन करने का एक प्रयास कर रहे हैं, वह यात्रा, वह वैचारिक यात्रा हमारे आध्यात्मिक उन्नयन की ओर हमको अग्रसर करे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ये सारा कार्यक्रम पूर्ण करने से पहले मुझे लगता है कि सुनील रैना राजानक जी की बात जरूर हमें ले लेनी चाहिए। सुनील जी सुन पा रहे हैं? आपका स्वागत है पटल पर। जी सुनील जी विद्यमान तो हैं, वो लेफ्ट कर गए थे। नहीं है, अभी है विद्यमान, वो गलती से म्यूट पर है। हम म्यूट पर हैं। सुनील जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नमस्कार नमस्कार, मैं सुनील रैना जी, मतलब ऑफिस से अभी निकल चुका था तो इसी कारण मैं आपकी बातें सारी सुन रहा था, परंतु मैं इंटरनेट नहीं कर पाया क्योंकि अभी मैं गाड़ी में हूँ। सर आवाज क्लियर नहीं है। हाँ मैं मार्केट में हूँ, अभी मार्केट में जा चुका हूँ ऑफिस से, तो इसलिए आवाज नहीं आ पा रही होगी आपको। जी आशुतोष जी, फिर हम इनको कल या आगे वाले किसी भी कार्यक्रम में पुनः अवसर अवश्य देंगे और इनको हम सुनना भी चाहेंगे। जी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सभी अपने आप को जी इस कार्यक्रम से हो सकता है आप अगले ऐसा कुछ सेशन उसका भी लेंगे और ज्यादा उसको फैलाएंगे, मतलब जिनको शैविज्म के बारे में पता भी नहीं उनको भी। जरूर, जरूर जी जी जरूर प्रयास करेंगे। बीना जी बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद आपका, सभी का बहुत धन्यवाद। और कभी व्याख्यान ऐसा था, कभी इतनी सुंदर चर्चा प्रवृत्त हुई है। हाँ सदानंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं प्लीज। जी सदानंद जी आपका स्वागत। थैंक यू। What I would like to tell is, it is because of our history that we are out of touch and we haven't learned, at least I am learning only now, the root language Sanskrit, and getting to know about the philosophical concepts of our land, our subcontinent, what existed from time immemorial, I am trying to understand. But what I feel is, the field in which I am practicing, that is child and adolescent developmental psychology and psychiatry, it needs lot of these concepts, how it can be utilized in the clinics, how it can be utilized for the benefit of welfare of health of the developing children. That is what I am always thinking. Number one, regarding the Swatantrata which you had talked about, there are certain interesting terms in Indian philosophy, darshanikata,
Darshanikata is not exactly the Western philosophy, whatever they have defined. Darshanikata is something more sublime and subtle. There are certain terminologies which I would like to just highlight. Bliss, that spiritual bliss. Swatantrata, which we have already discussed. Liberation, moksha. Attachment, detachment. The practice of vairagya. And from the Western science, the gestalt psychology. Looking at things as a whole, not in parts. All these things, attachment, detachment, or swatantrata, it cannot be achieved absolutely every time, every moment in our lives. But there are certain situations where we are completely free from ourselves. We completely forget ourselves and do our work without even thinking about ourselves. There are certain situations which I will quote, I will tell you. I still remember how Sunita Williams came to the Science Center in Delhi, and one of the plus two students who were one of the audience, there were students from many institutions, plus one, plus two, 10th standard. I also went in and just observed what they are doing. So one of the students asked two questions, interesting. Sunita ji, how did you brush your teeth in space? Another question was, when you came out of the spacecraft to repair one of the arms, outside realm of the spacecraft, didn't you get fearful? So to the second question, what she said was, when she came out, that moment she remembers, and many hours of work in the outside of the spacecraft, she doesn't remember herself or anything, but she does the work with accuracy, without knowing, thinking about herself. And when she came inside, after getting inside and shutting the door, then only she started thinking about herself. So she asked a counter question to the student. In such a situation, when I am not there, only my work is there with accuracy, how will I have any fear? So this is a type of detachment. This is a type of complete freedom, isn't it so? A surgeon who is doing surgical procedure, a psychiatrist or psychologist or counselor who is dealing with the problems of a patient, when he is fully immersed in that work, he forgets about himself. I feel that it is one part of this so-called freedom or detachment or selflessness or whatever it is. Now, this is only one instance. There are many instances where we would like to have a interdisciplinary seminar or something like that with the philosophy students and teachers, psychology students and teachers. It will be very good. One is already over in Amity University. I know there is a psychology department, general psychology, and also child psychology departments are there. Such programs we would like to have interdisciplinary. Then only its practical application, everybody would like to know, everybody will be knowing. Thank you very much. And I also would like to have guidance from the philosophy professors. I am just limited. My limitation now today, while I am attending this seminar, is I am not in my room with all the facilities which I had when I was attending the similar seminars in former years. I am in Kerala, and I don't have much gadgets except this mobile phone with me. So the feedback form I would like to have by WhatsApp, and I will fill it up and send it. My phone number, if some of you can just note down, it's a new phone number. Sunil Raina has, but still I will tell you, I would like to have the guidance from
प्रोफेसर आशुतोष जी, आशुतोष अंगिराज जी, डॉक्टर सरोज जी, बीना जी एंड मेनी अदर लेडीज जी, एवरीबडी. एंड व्हाट आई वुड लाइक टू टेल, इट इज अ लिटिल इलैबोरेट. I would like to post it via email or share it with you and get guidance. My number is 7982 Madam Pinochi, can you note down? Can you note down the number? I don't have much facility with my... I'm not very much technical. That is it's why. Okay. It's okay. Yeah. We'll do 798. That. You can message. No. 7, 9, 2, 8, 5. No. 7. Five. Just I will tell you. Just listen. 79825. 78246. Okay. Okay. And but please send me a WhatsApp message so that I can with the form so that I can fill up and send it. Definitely. And yeah. We'll like to. Have a discussion on Indian psychology based on Kashmir Shaivism. Yes, and, definitely. With Ashutosh ji, we had already discussed something. I fully remember. We would like to pursue it. Yes, definitely. We'll Thank you very much. It was a very lively discussion. Regards. Many, many thanks to everybody. Regards. Thank you so much. Thank you very much. Bahut-bahut aabhaar aapka sabhi ka. मैं आप सभी को धन्यवाद देते हुए सभी को प्रणाम करती हूं और आज के इस सत्र को अपनी चर्चाओं से सभी हमारे विद्वानों और श्रोताओं ने सार्थक रूप प्रदान किया. यह भी मैं ये मानती हूं कि आचार्य अभिनव गुप्त की ही कोई ऐसी हमारे में प्रेरणा उन्होंने भर दी है जिसके कारण आज ये सब संभव हुआ. और आप सभी का धन्यवाद करते हुए इस कार्यक्रम को अब हम समापन की ओर, संपूर्ति की ओर ले जाते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद सभी को. बहुत बहुत धन्यवाद सभी. सर्वेषां शुभरात्रि. ठीक है, शुभरात्रि. ललित जी, आपसे फिर चर्चा होगी, उसको कंटिन्यू करेंगे. ऋषभ जी, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा संपर्क में रहें. हाँ, तो वी विल एक्सप्लोर फ्यू न्यू फील्ड. आशुतोष जी, आप अग्रिम कार्यक्रम से मैं भी चर्चा करना चाहूंगी. जी जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल करेंगे. इस पे इंडियन साइकोलॉजी के ऊपर जरूर बात करेंगे क्योंकि अभी पीछे हमने काउंसलिंग टेक्निक्स पे बात की थी और उसमें प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र जी थे. हाँ, मैं आपके साथ ये सारी जो है वो शेयर कर दूंगा. हाँ. वीडियो भी और बाकी चीजें भी आपके साथ. आशुतोष जी, आप अग्रिम कार्यक्रमों की सूचना भी अपने ग्रुप में जो है सभी को प्रदान कर दीजिएगा. जी, मैं जरूर कर दूंगा. जैसे जैसे जो कंफर्म होगा उसको मैं साझा करूंगा. दो तारीख का पटियाला यूनिवर्सिटी और सिक्स का जो है वो सिरसा यूनिवर्सिटी वहाँ का. मैं जितने भी हमारे श्रोता हैं वो सब उन कार्यक्रमों से जुड़ेंगे अवश्य, ऐसी हम आशा करते हैं. जी आई विल. ऋषभ जी प्लीज आप अपना फोन नंबर शेयर कर दीजिएगा मेरे साथ, तो आपके साथ संपर्क में रहेंगे. जी ठीक है, थैंक यू सो मच. थैंक यू. वी कैन लीव द मीटिंग नाउ. नाउ वी कैन लीव. बहुत-बहुत धन्यवाद सर. मैं मैसेजेस में